गुड इवनिंग गाइस वेलकम बैक टू आवर एज योर वन जीरो फोर ट्रेनिंग सेसन माई नमीश अभिषेक एंड आज हम लोग एज योर एक्टिव डिरेक्ट्री के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे सो लेट्स स्टार्ट अगर हम मॉड्यूल वाइज बात करें तो ये आपका मॉड्यूल वन है जिसके अंदर हम लोग बेसिक्स ऑफ एज एक्टिव डिरेक्ट्री एज एक्टिव डिरेक्ट्री कैसे फंक्शन करता है कैसे काम करता है उसके क्या बेनिफिट है क्या एडवांटेजेस है वो सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे दीज आर द मेन टॉपिक्स विच वी नीड टू लर्न फ्रॉम लेसन नंबर वन और वी कैन से module number one okay so let's talk about what is azure active directory so azure active directory is a cloud-based suite of identity management capabilities that enable you to securely manage access to azure services and resources for your users that means what key आपकी कोई एप्लीकेशन है आपके कोई सर्वर्स है आपका कोई डेटाबेस है आपका कोई स्टोरेज है आप डायरेक्टली क्लाउड के ऊपर आप होस्ट करते हो अगर आपको उसके अंदर आइडेंटिटी या तो आपको एक्सेस मैनेजमेंट करना है दैट मीन्स व्हाट कि कोई भी रिसोर्स एक्सेस करने से पहले क्लाइंट शुड एंटर वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड अगर वो सही है तो ही वो रिसोर्स एक्सेस कर पाएगा अदरवाइज वो रिसोर्स को यूज नहीं कर सकता सो एज से पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था वो था लोकल एक्टिव डायरेक्टरी जिसको हम बोल सकते हैं ऑन प्रीमाइसिस एक्टिव डायरेक्टरी एज वेल ऑन प्रीमाइसिस डायरेक्टरी के अंदर क्या होता है कि हमें विंडोज सर्वर के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस का रोल इंस्टॉल करना पड़ता है एंड देन आफ्टर वी कैन क्रिएट यूजर्स ग्रुप वी नीड टू एड कंप्यूटर इन डोमेन आप ग्रुप पॉलिसीज बना सकते हो so these ऑल थिंग्स यू कैन मैनेज फ्रॉम लोकल एक्टिव directory जब हम बात कर रहे हैं एजूअल एक्टिव डायरेक्टरी की तो यहाँ पे आपको ना ही कोई सर्वर क्रिएट करना है ना ही आपको कोई डोमेन कंट्रोलर डिप्लॉय करना है आपको डायरेक्टली एजूल पोर्टल में जाके सीधा अपना डोमेन नेम डिटेल फिलअप करना है एंड आप डायरेक्टली यूजर्स ग्रुप क्रिएट कर सकोगे So, वो हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे तब जाके आपको थोड़ा बहुत आइडिया आएगा कि हम लोगों को कैसे वो यूज करना है दूसरा बेनिफिट क्या है एजुअल एक्टिव डिट्री का सो इट विल प्रोवाइड एप्लीकेशन मैनेजमेंट ऑथेंटिकेशन डिवाइस मैनेजमेंट एंड हाइब्रिड आइडेंटिटी दैट्स मींस वॉट कि आपके नेटवर्क के अंदर आपके प्रीमाइसिस के अंदर जो भी ऑन साइट सर्वर्स नेटवर्क फायरवॉल स्टोरेज डिवाइसेस है उसको भी आप एजर में ऑथेंटिकेट करवा सकते हो लिंक कर सकते हो और वहां से भी आप मैनेज कर सकते हो दिस इज मेन कॉन्सेप्ट इसके अंदर जो वर्डिंग यूज हो गए वो हमें बहुत ही केयरफुली uh, अंडरस्टैंड करना है वेन वी टॉक अबाउट आइडेंटिटी जब आप बात कर रहे हो आइडेंटिटी के बारे में सो so आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो ऑथेंटिकेट होगा दैट्स मीन्स वर्ड इट कु यूजर नेम एंड इट कुड बी पर्टिकुलर सर्विस जैसे कि हम बात करें कि मेरा मैंने एक मेरा यूजर नेम क्रिएट किया डोमेन के अंदर अभिषेक डॉट नायक एट द रेट एग्जाम्पल डॉट कॉम एंड मैंने कोई मेरा पासवर्ड सेट किया वन टू थ्री एट द रेट ट्रेनिंग सो जब मैं मेरे क्लाइंट मशीन से मेरे लोकल डेस्कटॉप या लैपटॉप से मैं जब पर्टिकुलर कोई वेबसाइट एक्सेस करने का ट्राई करूँगा तो पे वो मुझे के बिना एक्सेस नहीं करने देगा सो वेन वी टॉक अबाउट आइडेंटिटी जब आइडेंटिटी की बात हो रही हो तब वहां पे यूजर आएगा पिक्चर के अंदर यानी कि कोई भी यूजर का आई डी क्रिएट हो मेल आई डी हो उसका पासवर्ड हो दैट विल बी नॉन एज अडेंटिटी सो कल आपको को आपको कोई ऐसा बोलता है कि हमें एज के अंदर आइडेंटिटी क्रिएट करवानी है हमें एजर में यूजर क्रिएट करना है दोनों का मतलब सेम होगा नेक्स्ट इज अकाउंट नो डाउट अभिषेक डॉट नायकाम्पल डॉट कॉम वो पर्टिकुलर एक आई डी एक हुआ पासवर्ड हुआ बट इसके अलावा भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें फिल करनी पड़ती है ताकि फ्यूचर में हम लोग जब लॉग्स मेंटेन करें जब कोई इंसिडेंट हो जब कोई इश्यू हो तो आप वो अकाउंट इन्फॉर्मेशन में से आप वो सब ऑथेंटिकेट करके आप वेलिडेट कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मुझे चेक करना है कि uh, मेरे पास कोई यूजर है रमेश शर्मा नाम का और मुझे चेक करना है उसका मैनेजर कौन है या तो वो रमेश कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है या तो वो किस ग्रुप का मेंबर है दैट ऑल डिटेल्स वी नीड टू फिल इन साइड द अकाउंट सो जब भी आप कोई आइडेंटिटी क्रिएट करने जाते हो एडी के अंदर जब भी आप कोई यूजर अकाउंट बनाते हो तो जब अकाउंट क्रिएट करेंगे तब हमें ये सभी डिटेल्स वहां पे फिल करनी है फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपका ईमेल एड्रेस क्या है आपका एड्रेस क्या है आपका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है आपका रिपोर्टिंग मैनेजर का नाम क्या है आप कौन से डिपार्टमेंट से हो आपकी पोजीशन क्या है वो सभी इंफॉर्मेशन जब आप फिल करोगे तब जाके वो एक अकाउंट क्रिएट करेगा और वो अकाउंट हम लोग हमारे आईटी सिस्टम के अंदर यानी कि हमारे कंप्यूटर डेस्कटॉप लैपटॉप सर्वर स्टोरेज के अंदर लॉग इन करने के लिए हम एज अ आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं लेट्स टॉक अबाउट एडी अकाउंट। अकाउंट सो वो सभी चीज तो लोकल प्रिमाइसिस में जो एक्टिव डायरेक्टरी होता है उसमें भी होता है बट योर एडी का मतलब क्या है वो सभी चीज वो पूरा का पूरा अकाउंट क्रिएट कहाँ होगा

इज़ ऑटोमेटिकली क्रिएटेड व्हेन योर ऑर्गेनाइजेशन साइन अप फॉर माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सर्विस जैसे कि मैंने आपको कल दिखाया था कि जब भी हम लोगों ने एज का सब्सक्रिप्शन हमने एक्टिव किया क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद अकाउंट क्रिएट करने के बाद तो बाय डिफॉल्ट जो मेरा मेल अकाउंट था जो मेरा मेल आई था वो नेम और डॉट ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम वो पूरा एक कॉमन नेम कंबाइन करके उसने एक लोकल डोमेन क्रिएट कर दिया ओवर द एज्योर जो कि वर्ल्ड वाइड यूनिक होगा एक बार वो नाम किसी ने यूज कर लिया देन सेकंड टाइम वो कभी अलाउड नहीं करेगा बट वो टेम्पररी था हम लोग आगे सीखेंगे कि हमारा जो रियल डोमेन होता है फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम गूगल डॉट कॉम फेसबुक डॉट कॉम तो ये सभी जो हमारे कंपनी के जो डोमेन है उसको एज़ोर के अंदर कैसे ऐड करना कैसे वैलिडेट करवाना दैट ऑल थिंग्स वी विल लर्न प्रैक्टिकल ओके एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एज़ोर सब्सक्रिप्शन सो एज़ोर सब्सक्रिप्शन क्या होता है सो यू इट्स यूज टू पे फॉर एज़ोर क्लाउड सर्विसेज यानी कि आप जो भी सर्विस यूज करना चाहते हो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा एज्योर का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है फॉर एग्जांपल मान लो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक फाइल सर्वर और मुझे एक वेब सर्वर चाहिए तो आपको सिर्फ वो दोनों के लिए ही चार्ज पे करना पड़ेगा जबकि अगर आप ऑन प्रमिसिस डेटा सेंटर की बात करें तो आपको वहां पे हार्डवेयर परचेस करना पड़ेगा लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको एडमिनिस्ट्रेटर हायर करना पड़ेगा पूरा मैनेज करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई देना पड़ेगा तब कि आपका सर्वर स्टार्ट होगा आपको कूलिंग देना पड़ेगा ताकि आपका डेटा सेंटर आपका रैक आपका जो सर्वर है वो एक प्रॉपर एनवायरमेंट में रहे सो इफ यू टॉक अबाउट कॉस्ट सो ऑन प्रिमाइसिस के अंदर हार्डवेयर को मैनेज करना सर्वर को मैनेज करना इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड वो सभी चीज आप लोग एज के अंदर एज अ पे एज यू गो आपने जितना यूज किया उतना ही आपको पे करना है इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो आज के टाइम के अंदर अभी नेटफ्लिक्स एमेजोन प्राइम डिजनी हॉटस्टार ये सभी एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे क्लाइंट सब्सक्रिप्शन लेके एन नंबर ऑफ मूवीज सॉन्ग्स देख सकता है बट विद द वैलिड ड्यूरेशन टाइम आपको वो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन देंगे फिफ्टीन डेज वन मंथ थ्री मंथ सिक्स मंथ ट्वेल्व मंथ उस ड्यूरेशन के हिसाब से वो आपसे नॉमिनल चार्ज लेंगे जैसे ही आपका वो डेट एंड टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट होगा आपके जो एक्सेस है वो रिवर्क कर दिए जाएंगे सो so, एजर में भी ऐसा है अगर आप अपना पेमेंट कंप्लीट नहीं करोगे देन आपका जो भी रिसोर्स क्रिएटेड है आधर वो स्टॉप हो जाएगा इधर वो डिलीट हो जाएगा क्या डिफरेंस है एडीडीएस यानी कि ऑन प्रिमाइसिस एक्टिव डायरेक्टरी एंड एसर एक्टिव डायरेक्टरी इन दोनों के बीच में So, जो एक्टिव डिरेक्टरी है उसका मेन प्राइमरी फोकसिंग क्या है एच और एच कम्युनिकेशन के साथ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना सिंपल एग्जांपल बताऊ तो एक्सचेंज ऑनलाइन टीम्स ऑनलाइन ये सभी चीज आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो डायरेक्टली अपने यूजर नेम और पासवर्ड से जस्ट बिकॉज ऑफ आपका ऑफिस 365 और एजयोअर दोनों सेम एज एडी के ऊपर जाके सिंक हो जाएगा सो so इसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्राइमरी फोकस है क्यों एजर एक्टिव डायरेक्टरी को डेवलप किया गया तो इसके पीछे सबसे बड़ा राज यही है कि एच HTTP और एच एस कम्युनिकेशन के साथ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और आइडेंटिटी प्रोवाइड करना सेकेंड थिंग इज क्वेरीड यूजिंग रेस्ट एपीआईड ऑफ एल डेफ जब भी हम कोई वेब टेक्नोलॉजी की बात करें तो जब एश्योर एडी नहीं था तो डेवलपर को अगर उसका वेबसाइट उसकी एप्लीकेशन अगर एडी से सिंक करवानी है तो उसको पूरा का पूरा एपीआई कोड चेंज करना पड़ता था और वहां पे एलडेप स्ट्रिंग मेंशन करना पड़ता था जबकि यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है कि आप डायरेक्टली एश्योर एडी का पाथ सिंपली प्रोवाइड करके आप अपना ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन आप एक्टिव करा सकते हो दैट इज अ डेवलपर्स लुकआउट उसको कैसे करना है बट दिस इज अजीएस्ट मेथड ऑफ एज एच टी डी पी एंड पी एस प्रोटोकॉल फेडरेशन एंड ओपन आई डी कनेक्ट फॉर ऑथेंटिकेशन अगर हम बात करें ऑन ऑनप्रीमाइसिस की तो वहां पे करबेरोस प्रोटोकॉल यूज होता है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन करने के लिए इट विल फॉलो द दीजीटी

इन टूडेज वर्ल्ड आज के टाइम के अंदर एच टी टी पी एच टी पी एस के बेस के ऊपर जितने भी एप्लीकेशन वेबसाइट चलते हैं वो सभी सैमल प्रोटोकॉल डब्ल्यू एस फेडरेशन ओपन आई डी और ओ ऑथ ये सभी चीज यूज होते हैं ऑथेंटिकेशन करने के लिए सो so, वो इन बिल्ट प्रोटोकॉल मैथड है एच टी पी एंड अरे एच जो का दिस इज द वन ऑफ द बिग एडवांटेज इंक्लूडिंग फेडरेशन सर्विसेज एंड मैनी थर्ड पार्टी सर्विसेज अगर कल को आपको कोई ऐसा बोलता है कि मेरे पास एक डोमेन है एच डी एफ सी डॉट कॉम एस बी आई बैंक डॉट कॉम आईसीआईसीम और मुझे मेरे बैंक के अकाउंट से मुझे डायरेक्टली फेसबुक के साथ सेंक करना है मुझे फेसबुक के साथ लिंक करना है तो नॉर्मल वे में हम लोग नहीं कर सकते बट अगर आप एचर ए डी में काम करते हो तो डायरेक्टली आप फेसबुक का स्ट्रिंग वैल्यू यूज करके अपने डोमेन से फेसबुक में कैसे आईडी से लॉगिन करना वो आप सिंक क्रिएट इजीली कर सकते हो और उसके लिए जो भी फेडरेशन सर्विस यूज होती है बैकएंड के अंदर वो आपको वहां पे रेडीमेड मिल जाएगी एंड द लास्ट एडवांटेज इज एसो रेडी के अंदर आप यूजर एंड ग्रुप्स तो बना सकते हो बट वहां पे कोई ओयू स्ट्रक्चर कोई जीपीओ स्ट्रक्चर वहां पे नहीं है जबकि नॉर्मल एडी में क्या है कि मान लो कि आपके पास दो डिपार्टमेंट है फाइनेंस एंड सेल्स तो आप ओ वाइज डिपार्टमेंट नेम टैग करके उसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स ग्रुप आप बना सकते हो और उसके अंदर कौन सी पॉलिसी अप्लाई होगी वो आप ग्रुप पॉलिसी के सेटिंग्स भी मैनेज कर सकते हो बट एजर एडी में ऐसा कुछ नहीं है पूरा फ्लैट स्ट्रक्चर है चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट का यूजर हो सेल्स का हो मार्केटिंग का हो आईटी का हो सबके यूजर नेम सबके पासवर्ड सबके अकाउंट क्रिएशन आपको सेम पेज पे दिखेंगे एट द सेम टाइम आप वहां पे कोई OU बना सकते नहीं है फेडरेशन सर्विस का मतलब होता है एडीएफएस मान लो कि इसका यूज होता है सिंगल ऑन के लिए अगर आपने कभी नोटिस किया हो एक बार आपने अपने जी से लॉग किया एंड जब आप यूट्यूब गूगल ड्राइव ओपन करते हो तो आपको फिर से वो यूजर नेम एंड पासवर्ड कभी नहीं पूछेगा सेकंड थिंग इज मान लो कि आपने कोई ऐसी वेबसाइट ओपन की जिसके अंदर आपको एक बार लॉगिन करना पड़ा लेकिन आप अगेन एंड अगेन जब वो साइट ओपन करोगे तो जब तक आप साइन आउट नहीं करते तब तक आपको वो फिर से यूजर नेम पासवर्ड कभी नहीं पूछता तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि एक बार पासवर्ड डालने से मल्टीपल टाइम मैं उसे एक्सेस कर सकता हूं, जिसे बोलते हैं सिंगल साइन ऑन एक बार साइन ऑन किया दैट्स इट एंड वही कॉन्सेप्ट आप ऑन प्रेमाइसिस अंदर भी मैनेज कर सकते हो लेकिन उसके लिए आपको सर्विस मैनेज uh, करना पड़ेगा जबकि यहाँ पे एज uh, रेडी के अंदर वो फीचर आपको इनबिल्ट ऑटोमेटिकली मिलता है आपको कोई अलग से कंफिग्रेशन करने की जरूरत नहीं है सो दिस इज द मेजर बेनिफिट एंड इंट्रोडक्शन अबाउट द फेडरेशन सर्विस ओके नाउ व्हाट अबाउट एडिशन अगर आप एजर एडी में लॉगिन करोगे मैं आपको दिखाऊंगा फर्स्ट टाइम जब आपका डोमेन क्रिएट होगा आपका जो टीनेंट एक्टिवेट होगा वो बाय डिफॉल्ट फ्री सब्सक्रिप्शन के साथ एक्टिवेट होगा अगर आपका एजर एक्टिव डायरेक्टरी फ्री सब्सक्रिप्शन के साथ चल रहा है तो आप मैक्सिमम फाइव लैक्स ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो ऑब्जेक्ट इन द सेंस उसमें यूजर आ गया ग्रुप आ गया कंप्यूटर्स आ गया ऑल थिंग्स। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट थ्री सिक्सटी फाइव एप्लीकेशन का लाइसेंस है तो वहां पे कोई लिमिटेशन नहीं है आप एन नंबर ऑफ यूजर एन नंबर ऑफ ग्रुप्स आप क्रिएट कर सकते हो अगर आपके पास प्रीमियम पी वन लाइसेंस है एस एडी का देन ऑल्सो यू हैव नो एनी लिमिटेशन एंड ऑल्सो इफ यू हैवी टू लाइसेंस प्रीमियम टू गेट अ फुलीचर्स ऑन योर एसटिव डिरेक्ट्री नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन से फीचर एस जो रेडी में अवेलेबल है और उसके साथ कौन सा सब्सक्रिप्शन लोगे तब जाके आपको उसके एक्सेस और बेनिफिट मिलेंगे सो so अगर आपको सिंगल साइन ऑन फैसिलिटी यूज करनी है तो फ्री में भी मिलेगा और प्रीमियम में भी मिलेगा कोर आइडेंटिटी एक्सेस वो सभी के अंदर है बी टू बी कोलाबरेशन यानी कि बिजनेस टू बिजनेस कोलाबरेशन ये क्या है हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे डोंट वरी लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे है जैसे कि कंडीशनल एक्सेस मुझे कोई ऐसी कंडीशन लगानी है कि इफ यूजर इज फ्रॉम इंडिया देन लॉग इन कुड बी सक्सेस इफ यूजर फ्रॉम यूएसए देन इट विल शो दरर मैसेज So, अगर आपको कोई ऐसी कंडीशन लगानी है मुझे ऐसी कंडीशन लगानी है कि अगर यूजर विंडोज टेन लैपटॉप से लॉगिन करने का ट्राई कर रहा है तो ही लॉगिन होना चाहिए अगर यूजर विंडोज सेवन लैपटॉप यूज कर रहा है तो लॉगिन नहीं होना चाहिए मुझे ऐसे सिक्योरिटी के साथ मुझे मेरा एनवायरमेंट सिक्योर करना है तो ये सभी कंडीशन condition, सभी कंडीशनल पॉलिसी आप लगा सकते हो लेकिन वो तभी अप्लाई होगा जब आपके पास एस एडी का प्रीमियम वन और प्रीमियम टू लाइसेंस होगा तो so मैं आपको गाइड करूंगा लाइसेंस कहाँ से और कैसे एक्टिवेट करते हैं एंड उसका भी आप लोग टेस्ट करने के लिए आप टेम्पररी फ्री प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हो ओके okay. अब बात करते हैं एज एडी में ज्वाइन करने की सभी लोगों ने अपना नॉर्मल डेस्कटॉप और लैपटॉप डोमेन में ज्वाइन किया होगा ठीक है माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में जाके आप कंप्यूटर नेम दे सकते हो आप डोमेन नेम एंटर कर सकते हो एंड जैसे ही आप एंटर करोगे कर आपको क्रेडेंशियल पूछेगा एंड देन आफ्टर आपका जो मशीन है वो डोमेन में ज्वाइन हो जाएगा लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि एक्टिव एक्टिवरी जो कि इंटरनेट पे चलता है माइक्रोसॉफ्ट के पोर्टल पे वर्क करता है सो so आपका जो क्लाइंट मशीन है जिसको आप आप डोमेन में ऐड करना चाहते हो हो वो आप कर सकते थ्रू द एजर एडी ज्वाइन फैसिलिटी अगर आपका लैपटॉप एसर एडी में ज्वाइन है तो बेनिफिट क्या होगा वो एसर के साथ भी सिंकअप करेगा और आपका जो ऑन प्रिमाइसिस डोमेन कंट्रोलर है उसके साथ भी वो सिंकअप करेगा सो so, क्या-क्या बेनिफिट्स है क्या फैसिलिटीज मिलेगी तो सिंगल साइन ऑन टू योर एज्योर मैनेज सास एप्लीकेशन एंड सर्विसेज एक तो आपको सिंगल साइन ऑन का बेनिफिट मिलेगा अगर आप एज्योर एडी ज्वाइन करते हो तो सेकंड पॉइंट इज एंटरप्राइज स्टेट रोमिंग ऑफ यूजर सेटिंग अक्रॉस जॉइन डिवाइस यूजर का जो सेटिंग होगा अगर आपने कोई पर्टिकुलर व्हाट वी कैन से अपने कोई पर्टिकुलर बैकग्राउंड स्क्रीन सेवर अपने पॉलिसी सेट की तो एक्रॉस द डोमेन यूजर कहीं भी लॉगिन करेगा उसको सेम स्क्रीन सेम फोटोग्राफ वहां पे मिलेगा द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेस टू माइक्रोसॉफ्ट स्टोर फॉर बिजनेस माइक्रोसॉफ्ट का जो स्टोर आता है एप्लीकेशन के लिए जैसे गूगल के अंदर अपना गूगल प्ले स्टोर है जहां से आप गेम्स और एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो तो अगर आपके पास एस एडी का प्रीमियम लाइसेंस है तो आप डिसाइड कर सकते हो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कि कौन कौन सी एप्लीकेशन यूजर डायरेक्टली डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकता है फ्रॉम द स्टोर प्लस वहां पे आपको विंडोज हेलो सपोर्ट मिलेगा दैट मीन्स वॉट कि अगर आपको मशीन में लॉग करना है आप सिर्फ हेलो ऐसा बोल के आप लॉग इन कर सकते हो रेस्ट्रिक्शन ऑफ एक्सेस टू एप्स फ्रॉम ओनली कंप्लाइंट डिवाइस जैसे मैंने आगे बताया कि अगर आपके लैपटॉप के अंदर एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं है अगर आपका लैपटॉप लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस के साथ अपडेटेड नहीं है तो अगर ये पैरामीटर्स ये सभी कंप्लाइंट चीजें अगर वो वैलिडेट करेगा और अगर वहां पे वो कंडीशन फेल हुई तो आप अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर पाओगे सो so, ये सभी चीज हमें लर्न करनी है कि कैसे हम इनेबल करेंगे कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म नहीं होता ये सभी चीज ओवरव्यू के लिए है और ये सभी चीज हम लोग प्रैक्टिकली करके सीखेंगे हमारे लैब के अंदर एंड वन मोर थिंग आई वांट टू इन्फॉर्म यू कल जो हमारा डिस्कशन हुआ था रिगार्डिंग टोटल नंबर ऑफ डेज और ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग सो देर वॉज माई मिस्टेक मुझे लगा था कि अपना uh, फुल वीक ट्रेनिंग रहेगा बट मेरा आज बात हुआ सो so, मुझे मालूम पड़ा कि सैटरडे संडे अपना ट्रेनिंग कंडक्ट नहीं है ओनली फाइव डेज पर डे टू आवर्स सो अगर उसके हिसाब से मैं कंसिडर करूंगा तो आपका ट्रेनिंग अप्रोक्सीमेटली वॉट वी कैन से फोर टू फाइव वीक्स आपका चलेगा <clears throat> और क्या क्या बेनिफिट्स है एसजर एडी के वो पहले हम आगे धीरे धीरे देखेंगे और हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टली यूजिंग स्लाइडीज मैं आपको बोर करना नहीं चाहता सो लेटमी गो एंड लॉग इन विथ माई एसजर पोर्टल जो अकाउंट मैंने कल क्रिएट किया था वो सेम अकाउंट मैं यूज करूंगा इसके अंदर सो माई आई डी इज एंड आपको पासवर्ड भी एंटर करना है ओके सो कल हमने बेसिक ओवरव्यू देखा था एज पोर्टल के बारे में नाउ वी विल स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम ईच एंड एवरी ऑप्शंस सो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आइडेंटिटी की एज एक्टिव डायरेक्टरी की सो so आपको यहां पे एज सर्विस के अंदर चेक करना है वेयर इज योर एज एक्टिव डायरेक्टरी लोकेटेड अगर आपको यहाँ पे डायरेक्टली बाहर उसका शॉर्टकट नहीं डिस्प्ले हो रहा है तो आप पोर्टल मेनू में जाके आप एस एक्टिव डायरेक्टरी सिलेक्ट कर सकते हो अगर वहाँ पे आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो आप ऑल सर्विसेज़ में जाके भी चेक कर सकते हो और आप डायरेक्टली यहां से सर्च भी कर सकते हो सो so करंटली मुझे यहाँ पे एशर एक्टिव डिरेक्ट्री ऑटोमेटिकली डायरेक्टली बाहर डिस्प्ले हो रहा है सो आई विल क्लिक ऑन दैट जैसे ही आप एशव एक्टिव डिरेक्ट्री के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे कौन सी डिरेक्ट्री एज अ डिफॉल्ट सेलेक्ट हुई है वो आपको पूरा उसका ओवरव्यू डिस्प्ले करेगा सो so जो जो चीज हमने आगे डिस्कस की पीपीटी के अंदर वो सभी चीज में यहाँ आप पे आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा होगा हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर फेसिंग वॉइस ब्रेकिंग इश्यू सो जैसे ही मैंने एज योर एक्टिव डिरेक्ट्री के ऊपर क्लिक किया यू कैन सी यहां पर मुझे टीनंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है अगर आपको अपना नया डोमेन नया टिनट क्रिएट करना है तो वो भी आप कर सकते हो सो so, अगर आप यहाँ पे डिटेल चेक करोगे लाइसेंस में जाके सो यू विल गेट द इंफॉर्मेशन एज योर एडी फ्री लाइसेंस यानी कि करंट अभी मेरा जो लाइसेंस है वो हमारा एजयर एडी फ्री लाइसेंस है और हमारा जो प्राइमरी डोमेन है वो कौन सा है सो so, जो मेरा मेल आईडी था वो पूरा का पूरा मेल आईडी उसने ले लिया एंड आफ्टर दैट डॉट ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम ऐसा डोमेन वहां पे बाय डिफॉल्ट वो चूज करेगा सो so, हम लोग नेक्स्ट हम लोग जब कंटिन्यू करेंगे इसके अंदर तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग अपना कस्टम डोमेन इसमें ऐड कर सकते हो ओके सो दिस इज योर फर्स्ट स्क्रीन वेन एवर यू विल क्रिएट ऑन एज योर एक्टिव डिरेक्ट्री आपके सामने जो फर्स्ट स्क्रीन आएगी वो रहेगी आपकी एज योर एक्टिव डिरेक्ट्री की ओवर यू एंड डिफोल्ट Directory over your screen. Uh, actually, guys, there is a no any voice break uh, issue with uh, myself. My health is something not good. That's why uh, I was breaking myself uh, during the talking. And after two, seconds, I start again. So there is a no any voice break. Okay. So, जैसे ही आप क्लिक करते हो डिफॉल्ट डायरेक्टरी के ऊपर आपको यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी जैसे कि आपका जो अभी करंट आईडी लॉगिन है जिस आईडी से मैंने लॉगिन किया हुआ है मेरे एस पोर्टल के अंदर उसका रोल क्या है सो यू कैन सी इट विल शोइंग ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि जिस आईडी से मैंने लॉगिन किया है वो आईडी के पास जो अथॉरिटी जो राइट्स है वो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर के है यानी कि वो अकाउंट से अगर लॉगिन किया तो मैं वीएम स्टोरेज नेटवर्क फायरवॉल एडी कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ कुछ भी डिलीट कर सकता हूं सो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का प्रीविलेजिस जिसके पास है उसको फुल एक्सेस होगा एस पोर्टल का एस सर्विसेज का और यू कैन वेरीफाई लाइसेंस डिटेल फ्रॉम हियर सो कल को अगर आपको बोलता है कि मुझे चेक करना है मेरे एस का लाइसेंस क्या है सो so कुछ इस पे रॉकेट साइंस नहीं है लॉग करो एज एक्टिव डिरेक्ट्री में जाओ ओवरव्यू स्क्रीन स्क्रीन से आप वैलिडेट कर सकते हो आपका लाइसेंस इंफॉर्मेशन अगर आप राइट हैंड साइड देखोगे तो आपको यहाँ पे एजयोर एडी कनेक्ट करके ऑप्शन दिखेगा एजयर एडी कनेक्ट क्या है इट इज ए टूल विच इज यूज फॉर कनेक्ट योर ऑन प्रिमाइस एक्टिव डिरेक्ट्री सर्वर विथ एजयोर Azure AD Connect एक ऐसा टूल है जिसका यूज होता है आपके ऑन प्रि एक्टिव करने में फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मुझे ऐसा करना है कि मेरा एक यूजर मैंने लोकल डोमेन कंट्रोलर के ऊपर क्रिएट किया वही यूजर मुझे Azure में चाहिए लेकिन मुझे ऐसी फैसिलिटी इनेबल करनी है कि अगर मैं Azure में से पासवर्ड रिसेट करूं तो सेम पासवर्ड मेरा रेप्लीकेट होना चाहिए डोमेन कंट्रोलर के ऊपर और अगर मैं डोमेन कंट्रोलर से पासवर्ड रिसेट करता हूं तो वो पासवर्ड अगेन सिंक होना चाहिए एजर के साथ सो दीज आर द सिंकिंग मेथड विल बी इनेबल थ्रू द एजर एडी कनेक्ट ओनली सो so, अभी जो स्टेटस यहाँ पे दिखा रहा है नॉट इनेबल बिकॉज अभी हम लोगों ने एस एडी अभी हम लोगों ने कनेक्ट नहीं किया है ना ही हमने बनाया हुआ है जब भी हम लोग लैब करेंगे प्रैक्टिकल करेंगे दैट टाइम आई विल गाइड यू हम लोगों को कैसे करना है सो दिस इज द बेसिक्स ओवर यू फ्रॉम फर्स्ट स्क्रीन नाउ लेट्स गो हेड एंड अंडरस्टैंड अबाउट द नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप ओवर यू के बाद आप सिलेक्ट करते हो गेटिंग स्टार्टेड सो गेटिंग स्टार्टेड के अंदर आपको यहाँ पे Azure AD के बारे में बेसिक्स ऑपरेशन कैसे होते हैं उसका आपको एक स्मॉल so नहीं पता है कि कैसे manage करना है अगर आपने ट्रेनिंग भी नहीं लिया हुआ है तो आप एटलीस्ट बेसिक्स ओवरव्यू आप यहां से ले सकते हो इवन दो यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारी लिंक भी अवेलेबल है अगर आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो क्या करना है कैसे करना है वो हर एक चीज का आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा मान लो कि कोई आपको ऐसा कि मुझे कस्टम डोमेन ऐड करना नहीं आता एज के अंदर ठीक है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं आप यहाँ पे सिंपली क्लिक कर सकते हो एड अ कस्टम डोमेन नेम और आपको वो पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा कि आपको क्या करना है कैसे करना है टिंग so स्टार्टेड के अंदर और कुछ नहीं है जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन और लर्निंग नेक्स्ट इज प्रिव्यू फीचर्स कौन कौन से फीचर्स एडी के पास अवेलेबल है ऑन स्टेट में है कौन कौन से ऑफ स्टेट में है वो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो इवन दो वो कब रिलीज हुआ उसका लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन क्या है वो सब चीज का इंफॉर्मेशन आप फीचर्स से देख सकते हो डायग्नोस एंड सॉल्व प्रॉब्लम के अंदर अगर आप जाओगे तो आप अपने एज एडी के रिलेटेड आपके जो भी प्रॉब्लम्स जो भी डाउट्स जो भी क्वेरी है वो आप डायरेक्टली वर्चुअल असिस्टेंट के साथ चैट करके आप सॉल्व कर सकते हो मान लो कि कोई यूजर ऐसा बोलता है कि मुझे ऑफिस थ्री सिक्सटी फाइव पोर्टल में लॉग इन नहीं हो रहा है मेरा फैक्टर ऑथेंटिकेशन वर्क नहीं कर रहा है तो पर्टिकुलर उसके रिलेटेड क्या करना है कैसे करना है वो सभी चीज आप ये वर्चुअल असिस्टेंट के साथ अगर आप चैट करोगे तो पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर आपको वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा फॉर एग्जाम्पल मुझे पासवर्ड के रिलेटेड कोई सपोर्ट चाहिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ पासवर्ड ओके okay, सो so उसने बोला यू कैन आस्क मी क्वेश्चन सजेस्ट हाउ डू आई डू ट्रबल शूट सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट ओके एंड मेरा आंसर था पासवर्ड सो so उसने मुझे यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए कि आपको एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड रीसेट नहीं कर सकता आपको चेक करना है कि कैसे अकाउंट अनलॉक करे और आपको इसमें से कुछ नहीं करना है सो बेस्ड ऑन योर आंसर्स ये आपको रिस्पॉन्ड करेगा जो फर्स्ट थ्री ऑप्शन है वो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है एंड नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ एक्टिव डिरेक्ट्री मैनेजमेंट ऑफ एज एक्टिव डिरेक्ट्री सो लेट्स जम्प टू मैनेज एंड यहाँ पे सबसे पहला पोर्शन आता है यूजर का डोमेन तो क्रिएट हो गया एक्टिव डिरेक्टरी भी क्रिएट हो गया लेकिन वॉट अबाउट यूजर्स सो जैसे ही आप यूजर्स के ऊपर क्लिक करोगे पूरा स्क्रीन आपका चेंज हो जाएगा एंड फ्रॉम हियर यू कैन सी करंटली मैं अभी ऑल यूजर्स की स्क्रीन के अंदर हूं जहां पे सिर्फ एक ही यूजर मेरा क्रिएटेड है जो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है अगर आपको न्यू यूजर क्रिएट करना है तो आपको क्लिक करना है न्यू यूजर के ऊपर So, आपको दो ऑप्शन पूछे जाएंगे आइदर यू कैन क्रिएट यूजर आइदर यू कैन इनवाइट यूजर यानी कि आप आधर क्रिएट कर सकते हो इधर इन्वाइट कर सकते हो सो so, हम लोग दोनों चीज सीखेंगे सो so, मुझे क्रिएट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहला पूछा है आइडेंटिटी के अंदर मेरा यूजर नेम सो so, क्या होगा मेरा यूजर नेम जो कि यूनिक होना चाहिए पूरे डोमेन के अंदर जिसकी मदद से आप लॉग इन कर सकते हो सो so, मान लो कि मैं एक ऐसा आईडी क्रिएट कर रहा हूँ एज योर डैश एडमिन एजर एडमिन एट द रेट जो मेरा डोमेन नेम है अभी करंटली, वो डोमेन नेम यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा सो so, अगर मुझे लॉग इन करना है एजियोर के अंदर तो मुझे ये आईडी यूज करना पड़ेगा Azure डैश एडमिन एट द रेट अभिषेक एस नायक ट्वेंटी वन जी मेल डॉट ऑन डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम So, कुछ इस तरह से पूरा आपका डोमेन क्रिएट होगा बिकॉज अभी हमने हमारा कस्टम डोमेन ऐड नहीं किया है वो जब आप ऐड करोगे तो सीधा यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपना कस्टम डोमेन भी यूज कर सकते हो जैसे कि एग्जाम्पल डॉट कॉम गूगल डॉट कॉम और आपकी कंपनी ने जो भी परचेस किया है सो so, ये हुआ लॉग इन नेम के बारे में नाउ वॉट इज द नेम डिस्प्ले नेम क्या करेगा जब यूजर लॉग इन करेगा तो डिस्प्ले के ऊपर क्या शो करेगा सो so, यहाँ पे हमें डिसाइड करना है नेम सो so, मैं लिखूंगा एज योर एडमिन अकाउंट सो जब भी मेरा सिस्टम में लॉग इन होगा मेरा ये आई डी सो ऑन द डिस्प्ले इट विल शो मी द नेम लाइक दिस फर्स्ट नेम लास्ट नेम अगर आपको फिर से मेंशन करना है आप कर सकते हो अदरवाइज ये दो पैरामीटर इनफ है जहां जहां पे ये रेड स्टार टिकमार्क एस्टारिक किया हुआ है वो मैंडेटरी ऑप्शन है वो आपको फिल करने ही करने हैं अगर नहीं फिल किया है आप आईडी क्रिएट नहीं कर पाओगे सो वंस माय इंफॉर्मेशन फिल यू कैन कम डाउन एंड चूज द पासवर्ड अगर आप पासवर्ड में ऑटो जनरेटेड रखते हो तो अगर आप क्लिक करोगे शो पासवर्ड के ऊपर तो देखो यहाँ पे रैंडमली पासवर्ड जनरेट हुआ जो कि हम जनरेट नहीं करते लेकिन एज खुद जनरेट करता है बेस्ड ऑन द एल्गोरिदम ठीक है लेकिन अगर आपको ऐसा करना है कि आपको यूजर को स्पेसिफिक पासवर्ड सेट करके देना है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो लेट मी क्रिएट द पासवर्ड एंड आपका जो भी इनिशियल पासवर्ड होगा जैसे कि वेलकम एट ट्वेंटी ट्वेंटी वन ऐसा आपका कोई डिफॉल्ट पासवर्ड आप इनिशियल यूजर को करके देते हो तो वो पासवर्ड से यूजर लॉग इन कर पाएगा लेकिन जैसे ही लॉग इन करेगा उसको प्रॉम्प्ट डिस्प्ले करेगा फॉर चेंज पासवर्ड फोर्सफुली क्योंकि जो पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर ने प्रोवाइड किया वो सिर्फ और सिर्फ वन टाइम लॉग इन के लिए ही वैलिड होता है सो so यहाँ पे मैंने मेरा कस्टम पासवर्ड दिया है वेलकम एट द रेट ट्वेंटी ट्वेंटी वन अगर आप और नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे पूछेगा कि आपको कौन कौन से ग्रुप में ऐड करना है अभी हम ग्रुप स्टडी नहीं कर रहे हैं ग्रुप के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं सो करंटली हम वो स्किप करेंगे लेकिन जब ग्रुप क्रिएट करेंगे तो कैसे आईडी को ग्रुप में ऐड करना है वो हम लोग प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे और यहाँ से हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं सेकेंड थिंग इज रोल जो आई आप क्रिएट करने जा रहे हो उसके पास कौन से रोल होंगे अगर आप ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का रोल देना चाहते हो आप दे सकते हो अगर आपको रीडर एक्सेस देना है खाली रीड ऑनली एक्सेस देना है आप दे सकते हो सो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे यूजर एक्सेस होगा दैट्स मीन्स वॉट कि ये आई डी एज अ यूजर कंसीडर करेगी एंड द नेक्स्ट वन इज सेटिंग्स जिसमें लिखा है ब्लॉक साइन इन अगर यहां पे यस yes करेंगे तो आईडी तो क्रिएट हो जाएगा लेकिन वो साइन इन नहीं कर पाएगा बिकॉज साइन इन इज ब्लॉक्ड सो मेक श्योर अगर आपको फ्यूचर में कोई ऐसी या कोई ऐसी एरर ऐसा कॉल आता है कि मेरा आईडी एस में लॉग इन नहीं हो रहा आप पासवर्ड रिसेट करते हो अकाउंट अनलॉक करते हो आपने ए टू जेड चीज आपने वेरीफाई कर ली बट स्टिल यूजर कहता है मेरा आईडी लॉगिन नहीं हो रहा है तो वी नीड टू चेक वेदर द साइन इन इज ब्लॉक्ड और नॉट अगर किसी ने गलती से यहाँ पे यस कर दिया तो वो आई डी लॉग इन कभी नहीं होगा यूसेज लोकेशन ये जो आप यूजर बनाने जा रहे हो वो कहाँ से रिसोर्स को यूज करेगा और कहाँ से लॉग इन करेगा सो डिफॉल्ट लोकेशन के हिसाब से आप यहाँ पे चूज कर सकते हो सो so, मान लो कि करंटली वी ऑल आर फ्रॉम इंडिया सो आई विल मेंशन इंडिया आप यूएसए भी सेलेक्ट कर सकते हो आप यूके भी सेलेक्ट कर सकते हो इसका कोई पर्टिकुलर वो नहीं है जॉब टाइटल जो भी आप आईडी क्रिएट करने जा रहे हो जिस यूजर के बारे में उसका टोटल टाइटल क्या है इंफॉर्मेशन क्या है कंपनी नेम क्या है और उसका मैनेजर क्या है यानी कि जो जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी वो सब यहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट आपसे फिल करवाएगा उसके बिना आपका आईडी क्रिएट नहीं होगा हाँ ये सभी ऑप्शंस कंपल्सरी नहीं है अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये सब फील नहीं करना है आई एम फीलिंग बोरिंग यू कैन स्कीप इट बट जहां जहां पे ये रेड मार्क्स किया हुआ है वो आपको कंपल्सरी चूज करना पड़ेगा सो so करेंटली यहां पे जॉब टाइटल और डिपार्टमेंट कंपनी नेम यहां पे मैं कुछ सेट नहीं करूँगा जस्ट सिंपली क्लिक ऑन द क्रिएट जैसे हमने डिस्कशन किया था कल कि यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन बार है बेल आइकन अगर आप क्लिक करोगे उसके ऊपर तो जो भी लास्ट एक्टिविटी उसने ट्रिगर की होगी वेदर इट इज सक्सीड और नॉट वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा सो एज यू कैन सी माई अकाउंट आई डी बीन क्रिएटेड अगर आपको उसका लॉग इन वेरीफाई करना है तो हम लोग हमारे करंट आईडी से साइन आउट करेंगे एंड वी विल लॉग इन विथ आवर न्यू अकाउंट एच योर डैश एडमिन एट अभिषेक एस नायक ट्वेंटी वन जी मेल डॉट ऑन माइक्रोसॉफ्ट पासवर्ड आपको सेट करना है सो जो भी आपने पासवर्ड दिया है उससे आप लॉग इन कर सकते हो uh, मेरा न्यू पासवर्ड था वेलकम एट ट्वेंटी वन एंड जैसे ही मेरा करेक्ट पासवर्ड मैंने एंटर किया वो मुझे पूछेगा न्यू पासवर्ड सेट करने के लिए सो so आपको यहाँ पे अपना ओल्ड पासवर्ड देना है यानी कि वेलकम एट 2021 और आप यहां पे न्यू पासवर्ड सेट कर सकते हो जो आपको रखना है। सो so, मान लो कि मैं यहां पे रखूंगा। Training at 2021 and you can click on the sign in button as well। इससे क्या होगा? मैं एस जोर हाईफोन एडमिन आई से लॉग इन कर सकता हूँ so, जो आई आपने क्रिएट किया वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है कि नहीं वो आप इंफॉर्मेशन यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो यू कैन सी अगर आप यहाँ पे क्लिक करूँगा राइट हैंड साइड कॉर्नर पे तो मेरा डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी कौन सा है मेरा करंट लॉग इन कौन सा है उसका यूजर आई क्या है वो सब डिटेल्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगी अगर आप यहाँ पे एरो रखते हो तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा एस जोर एडमिन अकाउंट जो कि हमने लिखा था नेम के अंदर फिर यहाँ पे जब लॉग हमने किया एस जो डैश एडमिन एट द रेट अभिषेक डॉट कॉम इस आई से तो ये जो आई लिया उसने वो कहाँ से लिया आपके डिफॉल्ट टीन में से यानी कि आपके डिफॉल्ट डोमेन में से और पासवर्ड आपने जो यूज किया है वो सो लेट मी Sign out my this ID and I will again log in back with my official ID.

ओके okay, सो so यहां से आपको हर एक यूजर के आप नाम वेरीफाई कर सकते हो फॉर एग्जांपल आपको कोई पर्टिकुलर यूजर नेम सर्च करना है मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे नेम डिस्प्ले हो रहे हैं ठीक है ठेके? और ये बाय डिफॉल्ट ए टू जेड कैटेगराइज करेगा सो मान लो कि आपको कोई पर्टिकुलर नेम सर्च करना है जैसे कि संदीप तो एस सीरीज जो है वो बहुत ही पीछे होगी लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर नेम सर्च करना है तो आप सीधा यहाँ से सर्च कर सकते हो फ्रॉम द सर्च यूजर्स और अगर आपको कोई पर्टिकुलर फिल्टर अलाउ करने हैं तो आप फिल्टर भी अलाउ कर सकते हो मान लो कि डिपार्टमेंट के बेस के ऊपर जॉब टाइटल के बेस के ऊपर कंपनी नेम के बेस के ऊपर ठीक है सो यू कैन ऐड एन नंबर ऑफ फिल्टर्स हियर यहाँ पे एक और भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसका बटन है न्यू गेस्ट यूजर यानी कि ऐसे यूजर का हम आईडी क्रिएट करेंगे जो हमारे डोमेन का नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका कंपनी का कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है किसी वेंडर के साथ किसी थर्ड पार्टी कंपनी के साथ और आपको उसके मेल आईडी से लॉगिन अलाउ करवाना है अपने एशज के अंदर सपोज दैट मेरा कोई दूसरा मेल आईडी है अभिषेक नायक एम सी टी एट जी मेल डॉट कॉम फॉर एग्जाम्पल मेरा एक ऐसा मेल आईडी है और यू कैन से मेरा कंपनी का मेल आईडी है अभिषेक एट द रेट एग्जाम्पल डॉट कॉम वो मेल आईडी से मुझे एशर में लॉग इन करने के लिए मुझे इन्विटेशन चाहिए ठीक है तो आप गेस्ट यूजर क्रिएट कर सकते हो जिसका पर्पज होता है अपने डोमेन में आईडी क्रिएट नहीं करना और यू कैन डायरेक्टली अलाउड देम विथ देयर पर्सनल ईमेल एड्रेस so this time I will select invite user यहाँ पे pe आपको देना है जैसे कि हम लोग देखिए यहाँ पे अभिषेक रिमोट remote ID for example मैंने ऐसा नाम दिया है यहाँ पे और यू कैन सी मुझे यहाँ पे ईमेल एड्रेस पूछ रहा है जिसके जरिए क्या होगा मुझे invitation लिंक का मेल आएगा सो so, अगर आप यहाँ पे अपना ऑफिशियल मेल आईडी आप अपने पार्टनर का मेल आईडी अपने वेंडर का मेल आईडी लिखते हो एंड आप नीचे से पर्सनल मैसेज टाइप करके इनवाइट भेजोगे उस यूजर के पास एक लिंक जनरेट होगा एक लिंक का मेल जाएगा उसके मेल बॉक्स के अंदर और जैसे ही वो वो लिंक के ऊपर क्लिक करेगा ऑटोमेटिकली वो यूजर अपने एजर पोर्टल के अंदर लॉग कर सकता है यूजिंग देयर पर्सनल मेल एड्रेस सो ये ऑप्शन है हाउ टू क्रिएट और हाउ टू इन्वाइट यूजर इन एजर एक्टिव डिरेक्टरी एनी डाउट्स एनी क्वेरी गाइज फ्रॉम योर साइड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिकैंक यू So, यहाँ से आप ऐसे करके एन नंबर ऑफ अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो नाउ फॉर एग्जांपल आपके पास अभी एक अकाउंट है एस एडमिन नाम का ठीक है जिसको हमने अभी आगे लॉग किया था लेकिन जब वो आई डी लॉग हो रहा है तब कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेवल का पैरामीटर मुझे यहाँ पे नहीं ऑप्शन आ रहा यानी कि सिर्फ पासवर्ड प्रॉम्प्ट कर रहा है जैसे ही मैं पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ मेरा जो भी पोर्टल है जो भी मेरा एप्लीकेशन है वो सीधा एक्सेस हो जाता है लेकिन एजर के अंदर यहाँ पे बहुत सारे एडवांटेजेस है बहुत सारे फीचर्स है जिसको हम बोलते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि अगर यूजर ने पासवर्ड एंटर किया तो सिर्फ पासवर्ड से वो आगे नहीं बढ़ सकता उसको कंपलसरी पर्टिकुलर एप्लीकेशन से कोई रैंडम कोड जनरेट करवाना पड़ेगा वो कोड देना पड़ेगा एंड वो कोड के जरिए ही वो उसमें लॉग इन कर सकता है सो so, अगर आपको ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना है पर्टिकुलर अपने यूजर्स के लिए तो आप सेम स्क्रीन में से आप सेम ऑल यूजर्स प्रीव्यू ऑप्शन में जाके आप सेलेक्ट कर सकते हो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन डोंट वेरी यहाँ पे कोई यूजर को चेकबॉक्स करने की जरूरत नहीं है आप सिंपली यहां पे क्लिक कर सकते हो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के ऊपर आपको एक अलग से पेज के ऊपर वो लेके जाएगा एंड यू कैन सी जितने भी यूजर क्रिएटेड है उसका जो स्टेटस है वो एज अ डिसेबल्ड है ओके okay? सो so, सपोज कि मुझे मेरे एज़्योर एडमिन अकाउंट के लिए मुझे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना है सो so आपको सिर्फ यूजर को सिलेक्ट करना है यूजर अकाउंट सेलेक्ट कीजिए एंड आप इनेबल के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं इनेबल मल्टी फैक्टर ऑथ ठीक है ऑल्सो आपको यहाँ पे डेप्लॉयमेंट गाइड भी मिल सकती है अगर आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आप हेल्प ले सकते हो एंड यूजर को आप डिरेक्टली बोल सकते हो कि वो ये यूआरएल के जरिए अपना मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटअप कंप्लीट कर सकता है अगर वो ऐसे नहीं भी करेगा तो ऑटोमेटिकली उसको फोर्सफुली वो करने के लिए वहां पे ऑप्शन बता ही देगा सो लेट्स ट्राई टू इनेबल इट एंड यू कैन सी अपडेट सक्सेसफुल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज नाउ इनेबल वी कैन क्लिक ऑन क्लोज एंड

सो लेट मी लॉग इन विथ माई एजर अकाउंट विच आई क्रिएटेड लास्ट टाइम जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यू कैन सी मुझे पासवर्ड प्रॉम्ट आ रहा है जैसे ही मैं पासवर्ड प्रॉम के अंदर मेरा पासवर्ड एंटर करूँगा डायरेक्टली लॉग इन करने के बजाय मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट हैज इनेबल सिक्योरिटी डिफॉल्ट टू कीप योअर अकाउंट सिक्योर यानी कि एक ले एक लेयर यहाँ पे मोर ऐड हुआ सिक्योरिटी का पासवर्ड तो देना ही देना है लेकिन आपको वन मोर सिक्योरिटी पैरामीटर्स भी ऐड करना है सो so कैसे करना है अगर आप नेक्स्ट करोगे सो so वो आपको गाइड करेगा इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा अपने मोबाइल फोन के अंदर अगर आपके पास आईफोन है तो आप एप्पल स्टोर में जाके चेक कर सकते हो अगर आपके पास आईफोन सॉरी एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाके भी आप माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर आप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो सो so जैसे कि मेरे पास अभी ऑलरेडी डाउनलोडेड है मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ जैसे ही वो आप ओपन करोगे एप्लीकेशन अपने मोबाइल फोन के अंदर आपको पूछेगा आपको पर्सनल अकाउंट क्रिएट करना है या आपको वर्क और ईमेल स्कूल अकाउंट क्रिएट करना है सो वी कैन सेलेक्ट स्कूल अकाउंट एंड आपको ऐड अकाउंट में जाके ये क्यूआर कोड स्कैन करना है अपने ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन के अंदर सो मान लो कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे वो सेटअप कंप्लीट कर रहा हूँ लेट मी ओपन माई ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन इन माई मोबाइल फोन ट मी सेलेक्ट एड अकाउंट सेलेक्ट वर्क और स्कूल अकाउंट और मुझे यहां पर क्यू आर कोड स्कैन करना है जैसे ही मेरा क्यू आर कोड स्कैन हो जाएगा इटव टेक फ्यू सेकेंड फॉर कंप्लीट द प्रोसेस ओके इट्स ऑटोमेटिकली एडेड Now, मैं जैसे ही नेक्स्ट करूंगा सो so, मेरे मोबाइल फोन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आ गया कि आपको अप्रूव के ऊपर क्लिक करना है सो so, अगर आप यहाँ से डिनाय करते हो सपोज फॉर एग्जाम्पल आप एक ही अकाउंट एक ही यूजर नेम पासवर्ड आप यूज करते हो फॉर लो कि आप जो कंपनी में काम कर रहे हो वहां पे शिफ्ट वाइज एनवायरमेंट है सो डे टाइम में आप काम कर रहे हो नाइट ड्यूरेशन में कोई और काम कर रहा है एंड जो ऑथेंटिकेटर है वो सिर्फ और सिर्फ आपके मोबाइल फोन के अंदर ही कन्फिगर्ड है तो सपोज अगर नाइट शिफ्ट का यूजर अगर ट्राई करेगा लॉग इन करने का तो उसका जो ऑथेंटिकेटिंग जो कोड है जो अप्रूवल मैसेज है वो आपके मोबाइल फोन के ऊपर ही आएगा जब तक आप उसको यहाँ से अप्रूव नहीं करोगे वो लॉग नहीं कर पाएगा अगर मैं डीन के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो यहाँ पे डीन मैसेज शो कर देगा सो लेट मी सेलेक्ट अप्रूव एंड यू कैन सी यहाँ पे टाइम आउट हो गया सो so हम लोग रिस नोटिफिकेशन करेंगे एंड माई इंटरनेट इज वर्किंग स्लो इन मोबाइल फोन सो नॉट नोटिफिकेशन रिसीव्ड We need to wait until this failure because notification is not receiving. फॉर दिस वी नीड टू मेक श्योर आपके मोबाइल के अंदर इंटरनेट कनेक्शन रनिंग होना चाहिए ओके तो अगर वो अप्रूवल मैसेज डिस्प्ले नहीं कर रहा है तो आप कोड भी डाल सकते हो सिक्स डिजिट का तो जैसे ही मेरा यहाँ पे ये यह फेलियर होगा वो मुझे एक ऑप्शन देगा कि आप कोड एंटर करके भी आप आगे बढ़ सकते हो जब तक मेरे ऑथेंटिकेटर से उसको कोई अप्रूवल नहीं मिलेगा कोई वैलिड सिग्नल नहीं मिलेगा आई कैन नॉट लॉग इन इनसाइड माई एजर पोर्टल यूजिंग दिस पर्टिकुलर अकाउंट इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि अगर कोई आपका पासवर्ड अगर ट्राई करता है यूज करने का तो आपका ऑथेंटिकेटेड जो ऐप है ऑथेंटिकेटेड जो फैसेलिटी है वो एक लेयर और आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा फॉर सिक्योर योर अकाउंट लेट मी ट्राई टू क्लिक ऑन बैक Click on next. I think I have some issue with my internet. Let me try to log in again. It will again going for creating authenticator. Let me remove this and record. Okay, I added, and now I got the approval message in my mobile. So I am going to click on approve. एंड जैसे ही मैंने अप्रूव किया यू कैन से यहाँ पे नोटिफिकेशन अप्रूव का मैसेज आ गया एंड आप नेक्स्ट करके कंटिन्यू कर सकते हो सो so, ये है आपका मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक बार कन्फिग्रेशन हो गया देन एवरी टाइम आपको कन्फिगर नहीं करना है वो नेक्स्ट टाइम से आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट करेगा अपने मोबाइल फोन के अंदर कि आपका आईडी लॉगिन करने का ट्राई हुआ है वेदर यू आर गोइंग टू अप्रूव इट और डीनाई वो आपको चूज करना है बेस्ड ऑन अप्रूवल एंड इधर लॉग इन करने देगा इधर लॉग इन नहीं करने देगा सो so ये है आपका मल्टीफेक्टर ऑथेंटिकेशन अभी अगर मान लो कि मुझे वो बंद करना है मुझे ऐसा करना है कि मेरा वो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो फैसिलिटी मैंने इनेबल की थी पर्टिकुलर यूजर के लिए वो मुझे यूज नहीं करनी है तो आप उसको डिसेबल भी कर सकते हो फ्रॉम द सेम स्क्रीन सो so अगेन आप एज एडी में जाओ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट करो एंड आप वो यूजर्स का अकाउंट जो है वहां से मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को डिसेबल कर सकते हो करंटली आई विल नॉट गो एंड डिसेबल दैट पर्टिकुलर फीचर बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू सम मोर डेमोज एज वेल सो ये था हमारे यूजर्स के uh, फर्स्ट ऑप्शन में से यानी कि ऑल यूजर के प्रीव्यू स्क्रीन में से हाउ वी कैन क्रिएट ए न्यू यूजर हाउ वी कैन इनवाइट यूजर हाउ वी कैन इनेबल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये सभी चीज के बारे में आप यहाँ से देख सकते हो अगर मान लो कि कोई आपको ऐसा बोलता है कि मुझे पासवर्ड रिसेट करना है मेरा पासवर्ड मैं भूल गया हूँ आई फॉरगेट माई पासवर्ड सो आप सेम यहाँ पे आके यूजर का आई डी कर सकते हो आपके सामने यहाँ पे जो बटन है रिसेट पासवर्ड वो आ, इनेबल होगा अब उसके ऊपर क्लिक करके आप पासवर्ड रिसेट कर सकते हो अब जैसे ही पासवर्ड रिसेट करोगे टेम्पररी पासवर्ड यहाँ पे डिस्प्ले होगा आपको वो पासवर्ड यूजर को देना है जैसे ही यूजर वो पासवर्ड से फिर से लॉग इन करने का ट्राई करेगा अगेन उसको नया पासवर्ड रिसेट कंपलसरी करना पड़ेगा बिकॉज ये पासवर्ड टेम्पररी जनरेट हुआ है एंड फ्रॉम द लास्ट आप यहां से यूजर को डिलीट भी कर सकते हो और आप यहां से फीडबैक भी दे सकते हो अपने माइक्रोसॉफ्ट के अंदर सो so ये था आपका बेसिक्स ऑफ यूजर्स पोर्शन अभी मान लो कि बाय मिस्टेकली मेरा जो एज एडमिन अकाउंट है या तो कोई आपका यूजर अकाउंट है कोई ग्रुप है कोई वीआईपी यूजर अकाउंट है बाय मिस्टेकली किसी के हाथ से यहाँ से डिलीट हो गया सो so, अगर आप आई डी न्यू क्रिएट करोगे तब तो एस आई डी न्यू जनरेट होगा यू आई डी न्यू जनरेट होगा सभी ग्रुप में फिर से एड करना पड़ेगा बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी और यूजर का जो एक्सेस था वो ऑटोमेटिकली उसको नहीं मिलेगा तो अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि बाय मिस्टेकली मेरा आई डी डिलेट हो गया तो आप एस यूर आई डी के अंदर यूजर सेक्शन में जाके आप चूज कर सकते हो डिलीटेड यूजर्स एंड फ्रॉम हियर यू कैन रिकवर योर डिलीटेड अकाउंट ऑल्सो यू कैन सी मैसेज फ्रॉम हियर यूजर्स आर परमानेंटली डिलीटेड ऑटोमेटिकली आफ्टर थर्टी डेज अगर यहां पर कोई यूजर एक बार आ गया तो थर्टी डेज तक वो यहां पर एंट्री रहेगी अगर विद इन थर्टी डेज आपने रिकवर नहीं किया दैन इट विल डिलीट

Azure का आईडी रिकवर करना है तो सबसे पहले आप उससे पूछिए कि उसका अकाउंट कब डिलीट हुआ था अगर थर्टी डेज तो okay. के ऊपर जैसे ही वन डे भी गया या वन सेकंड भी हुआ दैट्स मीन्स यू आर नॉट एबल टू रिकवर दैट आई ठीक है दैट इज अ फिक्सड पॉलिसी आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते Any doubts, any queries till these practical steps? Okay. नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं इन द सेम पोर्सन यूजर्स के अंदर वहां पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा पासवर्ड रीसेट सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ पासवर्ड रीसेट एस योर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि यूजर खुद अपने हिसाब से पासवर्ड रिसट कर सकता है जबकि अपने नॉर्मल एडी एनवाइट में कैसा होता है कि अगर यूजर का अकाउंट लॉक हो गया यूजर अपना पासवर्ड भूल गया, तो उसको आईटी टीम के अलावा कोई हेल्प नहीं करेगा उसका पासवर्ड करने में। एंड मोस्ट ऑफ द आईटी पीपल्स के एक्सपीरियंस की बात करें तो सभी लोग बोलते हैं कि यार मैंने मेरे टाइम में तो मैंने बहुत पासवर्ड रिसेट किए बिकॉज हार्डली टेन में से एट कॉल्स ऐसे होते हैं जो पासवर्ड रिसेट के ही होते हैं क्योंकि यूजर्स नॉर्मली पासवर्ड सेट करते हैं भूल जाते हैं रॉन्ग पासवर्ड एंटर करेंगे अकाउंट लॉक हो जाएगा सो दे कम टू द आई टी टीम एंड रिक्वेस्ट फॉर द रिसेट द पासवर्ड सो यहाँ पे एज के अंदर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ पे सेल्फ सर्विस क्रिएट की गई है यानी कि यूजर खुद अपना पासवर्ड अपने एंड से रीसेट कर सकता है चाहे उसका अकाउंट लॉक हो गया हो चाहे उसका अकाउंट इनेबल हो नो नीड टू वरी हाँ उसको कुछ पैरामीटर से गुजरना पड़ेगा और वो कौन कौन से पैरामीटर होंगे वो हमें डिफाइन करने हैं जैसे कि सीक्रेट क्वेश्चन मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का कोड उसका ओल्ड पासवर्ड सो आपको यहाँ पे कंडीशन डिफाइन करनी पड़ेगी सपोज कि जब यूजर का अकाउंट रजिस्टर होगा उसको चार से पांच चीज के बारे में पूछा जाएगा उसको चार क्वेश्चन देंगे फॉर सीक्रेट क्वेश्चन जैसे कि व्हाट इज योर फेवरेट कार व्हाट इज योर फेवरेट कलर व्हाट इज योर कंपनी नेम लाइक ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन जनरेट कर सकते हो वो नंबर ऑफ क्वेश्चन में से आपको पॉलिसी डिफाइन करनी है कि एटलीस्ट कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन के आंसर अगर वो सही देता है तब जाके उसको सेल्फ सर्विस पासवर्ड रिसेट करने का ऑप्शन मिलेगा सो so, यहाँ पे क्लियर कट लिखा है सबसे पहले कि गेट अ फ्री प्रीमियम ट्रायल टू यूज दिस फीचर। कि अगर आपको ये सेल्फ सर्विस पासवर्ड रिसेट फीचर इनेबल करना है तो ये फ्री टायर में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको कंपलसरी प्रीमियम पी वन और पी टू आपको लाइसेंस एक्टिवेट करना ही पड़ेगा सो नो नीड टू वरी ये हमारा आगे प्रैक्टिकल आएगा जब हम लोग लाइसेंस एक्टिवेट करेंगे p1 p2 दैट टाइम हम आपको बताऊंगा मैं कि आप कैसे सेल्फ पासवर्ड रिसेट का यूज कर सकते हैं सो so यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स कुछ हिंट दिए हुए हैं व्हाई वी नीड टू यूज सेल्फ सर्विस पासवर्ड रिसेट तो एक तो आपका आईडी का कॉस्ट सेव हो जाएगा यानी कि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा यूजर्स के पासवर्ड रिसेट करने में द सेकेंड थिंग इज इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस यूजर को जब चाहे जहां चाहे वो पासवर्ड रिसेट कर सकता है कई बार हम लोगों ने भी ऐसा इश्यू फेस किया होगा इवन दो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आप बैंक में जाते हो अपने नेट बैंकिंग का पासवर्ड रिसेट करवाने के लिए तो आपको एक बड़ा सा फॉर्म फिलअप करना पड़ता है वो फॉर्म वो उसके आईटी टीम को भेजेंगे वहां से वो पासवर्ड कुरियर में आएगा फिर आप लॉग इन कर सकते हो मीन्स पे बहुत लॉन्ग प्रोसेस है लेकिन अगर वही चीज अगर वो ऑनलाइन हो जाती है तो जब भी आप अपना पासवर्ड भूल गए आप विद इन फाइव मिनट्स आप अपना अकाउंट रिकवर कर सकते हो सो so, ये बेनिफिट है आपका जो यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो इम्प्रूव होगा एंड आई टी हेल्प डेस्क का जो नंबर ऑफ कॉल वॉल्यूम है वो बहुत ही कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ द मोस्ट ऑफ़ द कॉल्स आर रिसीव्ड ओनली फॉर पासवर्ड रिसेट सो ये फीचर हम लोग देखेंगे कैसे इनेबल करना है कहाँ से इनेबल करना है बट उसके लिए सबसे पहले आपको लाइसेंस एक्टिवेट करना पड़ेगा सो दैट वी विल लुक इन टू लेटर नेक्स्ट ऑप्शन है यूजर सेटिंग्स यानी कि यूजर क्या क्या कर सकता है एसजॉर के अंदर फ्रॉम देयर साइड सो द फर्स्ट ऑप्शन इज ऐप रजिस्ट्रेशन क्या यूजर डायरेक्टली कोई एप्लीकेशन रजिस्टर कर सकता है तो अगर आप यहां से यस yes करोगे तो यूजर कोई भी बाहर की एप्लीकेशन चाहे फॉर एग्जाम्पल सैप कौनकुर और वर्क डे ऐसी बहुत सी जो एप्लीकेशन जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन चलती है जिसका ऑथेंटिकेट यूजर नेम एंड पासवर्ड आप अपने एडी से करवाना चाहते हो वो यूजर डायरेक्टली एड और रिमूव कर सकता है विदाउट एनी इश्यूज तो नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन पोर्टल क्या यूजर एज एडी को मैनेज कर सकता है तो यहाँ पे नो no है बिकॉज अगर यूजर को ए डी मैनेज करने का राइट दे दिया दैट मीन्स वो किसी का भी पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं किसी का भी आई डी बना सकते हैं सो दैट इज वैलिड मेथड सो यहाँ पे बाई डिफॉल्ट नो सिलेक्टेड है अगर आपको यस yes करना है आप कर सकते हो नेक्स्ट ऑप्शन है लिंकड इन अकाउंट कनेक्शन दैट मीन्स वो मेरा आई डी मैंने क्रिएट किया मेरे एशर के अंदर क्या वही आई डी से मुझे लिंकड इन में लॉग इन करना है ये हम लोग देखेंगे जब हम लोग हमारा कस्टम डोमेन इसके साथ सिंक करेंगे करंटली मेरा अभी से नायक ट्वेंटी वन जी इतना जो लंबा डोमेन नेम है वो हमें यूज नहीं करना है फॉर एंटायर ट्रेनिंग सिलेबस सो so, हम लोग क्या करेंगे हम लोग कोई भी एक आ, रियल डोमेन नेम ले लेंगे एंड हम लोग उसको यूज करेंगे अपने ट्रेनिंग के अंदर सो दैट टाइम ये जो 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 ऑप्शन मैंने अभी सिर्फ आपको वर्बली बताया है वो आपको मैं दैट टाइम प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे आप वो आईडी से अपने डायरेक्टली लिंकड में लॉग कर सकते हो नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सटर्नल यूजर कोलाब्रेशन यानी कि बाहर के जो यूजर्स है वो कैसे लॉग करेंगे अपने एजर के अंदर और उसके लिए क्या पॉलिसी सेट करनी है सो दीज आर द ऑप्शंस वी नीड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड सपोज कि अगर आपने कोई गेस्ट यूजर को एक्सेस दिया जैसे हमने इनवाइट किया था आगे हमने हमें हमें मेल आईडी एंटर करना पड़ेगा यूजर का नाम देना पड़ेगा और जैसे ही आप इनवाइट करोगे उसको एक मेल जाएगा वो लॉग इन करके वो लिंक के जरिए अपने एजी में लॉग इन कर सकता है तो अगर कोई गेस्ट यूजर अपने एनवायरमेंट में एंटर होता है तो क्या उसको कोई रेस्ट्रिक्शन होगा क्या उसके पास फुल राइट्स होंगे वट दे कैन डू वॉट दे कैन नॉट डू देट ऑल थिंग्स वी नीड टू से पहले गेस्ट यूजर एक्सेस रेस्ट्रिक्शन अगर आपको ऑल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे जो आई बटन दिया है उसके अपना एरो रखोगे आपको डिटेल वहां पे डिस्प्ले हो जाएगी दिस सेटिंग डेटर वेदर गेस्ट है जो भी गेस्ट यूजर आया क्या वो किसी को भी एक्सेस दे सकता है आईडी क्रिएट कर सकता है ग्रुप मेंबरशिप दे सकता है तो यहाँ पे आपने जो भी सिलेक्शन किया होगा बेस्ड ऑन दैट वो वो एक्शन ले सकता है अभी यहाँ पे डिफॉल्ट ऑप्शन है गेस्ट यूजर है वो हमें डिफाइन करना है मैन्युअली वो यूजर क्या कर सकता है अगर मैंने ये ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया फर्स्ट वाला गेस्ट यूजर हैव द सेम एक्सेस एज अ मेंबर यानी कि मेंबर्स को जो एक्सेस है वो गेस्ट यूजर को भी मिल जाएंगे जो गेस्ट यूजर को एक्सेस है वो मेंबर्स को तो वैसे भी होंगे और अगर आप थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करते हो गेस्ट यूजर एक्सेस इज रेस्ट्रिक्टेड टू प्रॉपर्टीज एंड मेंबरशिप टू देयर डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव यानी कि वो कुछ नहीं कर सकता हर एक चीज के लिए उसे एडमिनिस्ट्रेटर से हेल्प लेनी पड़ेगी गेस्ट इनवाइट सेटिंग क्या वो किसी को इनवाइट भेज सकता है उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन है

नी वन इन दर्गेनाइजेशन एंड अपने डोमेन से कोई भी यूजर लॉग इन करके इन्विटेशन भेज सकता है लेकिन वो यूजर जो इनवाइट होगा उसको क्या एक्सेस ग्रांटेड होंगे वो हमें मैन्युअली डिफाइन करना पड़ेगा अपने एस जो एडी में से जाके सो so अगर आपको यहाँ पे कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन पॉलिसी लगानी है कि नहीं मुझे ऐसा अलाव नहीं करना है कि कोई भी कल को उठ के आए और इन्विटेशन भेज दे किसी को भी एंड बाहर का यूजर अपने डोमेन में आके अपना आईडी बना के काम करे अगर आपको ऐसा एनवायरमेंट नहीं रखना है ओपनली आप अपना एनवायरमेंट सिक्योर कर सकते हो एंड आप सिलेक्ट कर सकते हो नोवल इंडोर ऑर्गेनाइजेशन कैन इन्वाइट गेस्ट यूजर इंक्लूडिंग एडमिन्स अगर ये कर दिया है तो कोई नहीं कर पाएगा सो so आपको चेक करना है कि कौन से ऑप्शन से क्या होगा एंड बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन चूज यस इनेबल गेस्ट सेल्फ सर्विस साइन अप बायूजर फ्लो यानी कि जो सेल्फ सर्विस का जो ऑप्शन है आई डी क्रिएशन का पासवर्ड रिसेट का क्या वो सभी फैसेलिटीज गेस्ट यूजर को भी मिलेगी तो अगर आप यश yes करोगे तो वो फैसिलिटीज मिलेगी अदरवाइज नो no करोगे तो फैसिलिटीज नहीं मिलेगी कॉलोबरेशन रेस्ट्रिक्शन अलाउ इन्विटेशन टू बी सेंड टू एनी डोमेन जैसे कि मैंने आपको आगे दिखाया कि हमने इनविटेशन भेजने के लिए हमने कोई भी मेल आईडी टाइप नहीं किया था लेकिन अगर मान लो कि मुझे ऐसा करना है कि मुझे पर्टिकुलर जीमेल के डोमेन से यूजर्स इनवाइट नहीं करने हैं तो आप पर्टिकुलर जीमेल जीमेल को ब्लॉक कर सकते हो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या है कि अलाउ इनविटेशन फॉर ऑल डोमेन यानी कि जी मेल हॉट मेल कोई भी ईमेल सर्विस कोई भी प्राइवेट मेल डोमेन से यूजर्स को मेल सेंड कर सकते हैं इनवाइट कर सकते हैं एंड दे कैन लॉग इन इन साइड अवर एजर अगर आपको कोई पर्टिकुलर डोमेन्स को डीनाई करना है तो आप यहाँ पे टारगेट डोमेन डाल सकते हो ठीक है सो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो भी ऑप्शन थे वो मैंने एज इट इज रखे है अगर आपको सेटिंग्स सेव नहीं करना है आप डिस्कार्ड के ऊपर क्लिक कर सकते हो और अगर सेटिंग्स को सेव करना है आप सेव के ऊपर क्लिक कर सकते हो आपका एक्सटर्नल कोलाबरेशन सेटिंग यानी कि अपने डोमेन से बाहर का कम्युनिकेशन और कनेक्शन कैसे होगा उसके बारे में एंड द लास्ट ऑप्शन इज यूजर का जो फीचर है उसका प्रीव्यू सेटिंग सो यूज़र कैन यूज प्रिव्यू फीचर फॉर माई ऐप सो हमारा जो भी एप्लीकेशन है उसका जो फीचर है उसका जो एक्सेस पैनल है क्या यूज़र देख सकता है अगर नन करोगे तो किसी को नहीं दिखेगा अगर सिलेक्टेड करोगे तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप एड करने पड़ेंगे और वो यूज़र ग्रुप का मेम्बर होना चाहिए एंड अगर ऑल सिलेक्ट कर दोगे तो सभी यूजर्स को एप्लीकेशन का पूरा चेंजेस पूरा सेटिंग्स वो डिस्प्ले कर पाएगा So by default यहाँ पे पे होता है depends on requirement आप कर सकते हो कोई ऑप्शन ना ही इनेबल्ड है ना ही डिसेबल्ड है ये फीचर है जो कि सिर्फ और सिर्फ फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए ही बनाया हुआ है दिस विल इनेबल यूजर टू रजिस्टर एंड मैनेज दर सिक्योरिटी इन्फो फॉर फैक्टर ऑथेंटिकेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स कैन एक्सेस माई स्टाफ यानी कि पर्टिकुलर कोई अगर ऐसी एप्लीकेशन है तो क्या वो एडमिनिस्ट्रेटर्स वो एक्सेस कर सकता है तो अगर यस होगा तो वो मैनेज कर पाएगा अगर नन होगा तो वो नहीं कर पाएगा सो दीज इज द डिफॉल्ट ऑप्शन फॉर यूजर फीचर इसमें जनरली कभी कोई चेंजेस नहीं करने हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट कोई आती है तो आपको पहले अंडरस्टैंड करना है कि क्या रिक्वायरमेंट है देन आफ्टर आपको कंटिन्यू करना है ये था आपका यूजर सेटिंग्स। नाउ इफ यू गो एंड चूज द नेक्स्ट ऑप्शन कॉल्ड डायग्नोज एंड सॉल्व प्रॉब्लम सो यहां पे कॉमन प्रॉब्लम जो जो आते हैं एडी के अंदर नॉर्मल यूजर्स को या एडमिनिस्ट्रेटर को उसके बारे में आप यहां से हेल्प ले सकते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप जो भी चूज करोगे वो आपका ट्रबल शूटिंग स्टेप्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा सो दिस इज फॉर जस्ट इंफॉर्मेशन ऑनली अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है आप बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप सर्च करके अपना सॉल्यूशन ले सकते हो इफ आई विल क्लिक ऑन द साइन इन कौन कौन से यूजर ने लॉग इन किया एट वॉट टाइम फ्रॉम विच आई पी एड्रेस वेदर द लॉग इन वॉज सक्सेस इंटरप्टेड और फेल इच एंड एवरी लॉक्स यू कैन वेरीफाई फ्रॉम साइन इन जैसे कि मैंने यहाँ पे एजोर एडमिन से लॉग इन किया था अभी से आई डी से लॉग इन किया बीच में मैंने मेरा लॉग इन इंटरप भी कर दिया था मेरा पब्लिक आई पी एड्रेस कौन सा है मेरा करंट सिटी कौन सा है ये सभी चीज ए टू जेड आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो करंटली आई एम बेसिकली फ्रॉम गुजरात सो यू कैन सी माय सिटी नेम माय स्टेट एंड माय कंट्री यू कैन सी रिसेंटली इवनिंग में मैंने एशवर पोर्टल मेरे अनदर uh, लैपटॉप से मैंने यूज़ किया जो मेरा कंपनी का है एंड माय कंपनी इज बेस्ड ऑन मुंबई महाराष्ट्र सो यू कैन सी इट इज़ शोइंग डिफरेंट आई एड्रेस एंड डिफरेंट लोकेशन बिकॉज माई लैपटॉप इज़ फ्रॉम अनदर लोकेशन सो बेस्ड ऑन योर लोकेशन आईपी एड्रेस आप चेक कर सकते हो कि आपका लास्ट लॉग इन कहाँ से हुआ है कई बार कोई यूजर ऐसा कंप्लेंट करता है कि मुझे डाउट है कि मेरा आईडी किसी ने लॉग इन किया है तो आप यहाँ से इंफॉर्मेशन वेरीफाई कर सकते हो आप उसको बोल सकते हो कि आप अपने लैपटॉप के अंदर गूगल में व्हाट इज माई आई टाइप कीजिए आपको अपना पब्लिक आई एड्रेस डिस्प्ले करेगा लेट मी शो यू अगर आप गूगल में सर्च करते हो वॉट इज माई आई पी तो यू कैन सी माई पब्लिक आई पी एड्रेस इज वन जीरो थ्री टू फाइव वन फाइव सेवन वन थ्री सेवन सो सेम आई पी एड्रेस मुझे यहाँ भी दिख रहा है दैट्स मींस वट कि ये जितने भी लॉग ऑन अटेम्प्ट गए हैं मेरे कंप्यूटर से वो वैलिड है बट सपोज अगर आपको कोई ऐसा सस्पेक्टेड आईपी एड्रेस मिला जो कि आपके लोकेशन का नहीं है तो आप यूजर को वॉर्न कर सकते हो कि काइंडली चेंज योर पासवर्ड और यू कैन सिक्योर योर अकाउंट और यू कैन सिक्योर योर डेटा सो यहाँ से आप वैलिड डिटेल्स ले सकते हो अगर आपको ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको एक्सपोर्ट करना है आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके आप आइदर सी एस में सेव कर सकते हो आइदर आप जेसन फाइल में सेव कर सकते हो एंड आप जैसे जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करते जाओगे नए नए लॉक्स जो भी जनरेट होंगे वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेवन डेज के ही लॉग होंगे अगर आपको ज्यादा लॉग्स चाहिए तो आप मैन्युअली आप यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट इज ऑडिट लॉग्स सो यहाँ पे एसजर के अंदर आपने क्या क्या किया उसके लॉग्स जनरेट होंगे पर्टिकुलर फॉर एडी रिलेटेड ओके सो फॉर एग्जाम्पल हमने सबसे पहले यूजर बनाया था तो हमने एड यूजर किया था फिर हमने यूजर का पासवर्ड चेंज किया तो चेंज पासवर्ड हुआ हमने यूजर को अपडेट किया हमने यूजर का मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल किया कोई एरर रिसीव हुई थी वेदर वो प्रोसेस सक्सेस हुआ था कि फेल हुआ था ईच एंड एवरी लॉग्स यू कैन सी फ्रॉम हियर इवन तो आपको यहाँ पे टारगेट डिटेल्स भी डिस्प्ले हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू हमने डिलीट यूजर किया था एंड हमने यूजर को रिस्टोर भी किया सो so, कौन सा यूजर रिस्टोर हुआ तो उसका पूरा नाम आप यहाँ से देख सकते हो एड एज आईफोन एडमिन एड अभिषेक और जो भी आपका डोमेन नेम है वो सो so, ये डिटेल्स आपको डिस्प्ले करेगा ऑडिट लॉक्स के अंदर एंड कौन से आईपी से कौन से मशीन से कौन से यूजर ने लॉगिन किया था वो अगर डिटेल चाहिए तो आपको मिलेगी साइन इन में से सो so, दोनों ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट है रिगार्डिंग टू ऑपरेशन क्या टास्क परफॉर्म हुआ था उसके लॉक्स चाहिए तो आप ऑडिट लॉक में जाके देख सकते हो किसने साइन इन किया था वो चेक करना है तो आप देख सकते हो साइन इन में से सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट of our audit logs and साइन इन अगर आपको डिटेल में लॉग्स देखना है डिटेल में लॉग रीड करना है तो आप पर्टिकुलर लॉग्स के ऊपर क्लिक कर सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पे रीस्टोर यूजर किया था अगर आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो इनिशिएट किसने किया था कितने बजे किया था कौन सा एक्टिविटी टाइप था ये ए टू जेड आपको यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करेगा सेम थिंग इन साइन इन एज वेल मान लो कि मेरा लास्ट लॉगिन हुआ है पर्टिकुलर ये टाइम के ऊपर तो आप यहां से ब्राउजर इंफॉर्मेशन भी फेच कर सकते हो क्लाइंट ने ब्राउजर से लॉगिन किया है सक्सेसफुली लॉगिन हुआ था कौन से यूजर नेम से लॉगिन किया था उसका यूजर नेम क्या था कौन सी डेट को कितने टाइम को ए टू जेड इंफॉर्मेशन आप यहां से कलेक्ट कर सकते हो द नेक्स्ट वन इज बल्क ऑपरेशन रिजल्ट यानी कि आपने कोई बल्क ऑपरेशन परफॉर्म किया है मानो कि मान लो कि आपने एक साथ फिफ्टी यूजर्स को रिलेट किया 50 यूजर्स को क्रिएट uh, किया फिफ्टी यूजर्स का आपने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपने इनेबल किया अगर कोई एक्टिविटी आपने बल्क में परफॉर्म की है तो उसके जो लॉग्स है वो यहाँ पे जनरेट होंगे दिस इज फॉर पर्टिकुलर यूजर रिलेटेड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रुप दिस इज फॉर स्पेसिफिकली यूजर रिलेटेड बिकॉज अभी हम यूजर्स की बात कर रहे हैं जब ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे तब तो ग्रुप का भी सेम ऐसा ही स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा एंड इन द लास्ट ये सभी चीज करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे अभी और सपोर्ट चाहिए देन यू कैन सेलेक्ट द लास्ट ऑप्शन न्यू सपोर्ट रिक्वेस्ट एंड यहाँ से आप अपना केस रजिस्टर कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट के साथ आपको अपना अपना यहाँ पे इश्यू डिफाइन करना है इश्यू का टाइप सिलेक्ट कीजिए तो इश्यू विद टेक्निकल बिलिंग सब्सक्रिप्शन क्या प्रॉब्लम है आपका सब्सक्रिप्शन क्या था सर्विस टाइप आपको क्या चाहिए एंड आप धीरे धीरे नेक्स्ट 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 करके आप अपना केस क्रिएट कर सकते हो डिपेंड्स ऑन योर केस प्रायोरिटी माइक्रोसॉफ्ट आपको कॉल करेगा इधर आपको मेल करेंगे वो लोग एंड आपको अपना मीटिंग uh, शेड्यूल करके आप उसके साथ मिलके अपना इश्यू रिजोल्व कर सकते हो सो so ये था इंट्रोडक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर यूजर टैप अगर एडी के अंदर आप यूजर्स में जाते हो तो कहां से क्या हो सकता है ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए क्लियर गाइस एनी डाउट ओके जो भी सेटिंग्स आप मॉडिफाई करना चाहते हो पर्टिकुलर यूजर के लिए देन आपको स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी एन आपको डिफाइन करना पड़ेगा वेदर वो चेंजेस आप सबके लिए चेंज करना चाहते हो कि नहीं अगर आपको बल्क में मॉडिफिकेशन करना है तो यहां पे ऑप्शन अवेलेबल है बल्क ऑपरेशन वो आप चूज कर सकते हो अदरवाइज आपको मॉडिफिकेशन आपको मैन्युअली करना पड़ेगा वन बाय वन ओके एनी क्वेरीज एनी डाउट्स येस यू कैन डिफाइन एक्सीडेंटल डिलीटेशन ऑफ योर अकाउंट बट उसके लिए आपको एक्सेस मैनेजमेंट कन्फिगर करना पड़ेगा जो कि हमारा नेक्स्ट uh, क्वेश्चन आएगा कि आप कौन कौन से रोल डिफाइन कर सकते हो अपने सिस्टम के अंदर फॉर एग्जांपल अभी मैं लॉगिन था ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर से डेट्स वाई मैं आईडी भी क्रिएट कर सकता हूँ और मैं डिलीट भी कर सकता हूँ बट अगर मैं बात नॉर्मल यूजर के बारे में अगर मैंने नॉर्मल यूज़र से लॉग इन किया है तो अगर नॉर्मल यूजर के पास सिर्फ रीडर एक्सेस है तो वो कभी डिलीट नहीं कर पाएगा लेकिन अगर आप किसी यूजर को आप ग्लोबल एडमिन एक्सेस देते हो तो वो डेफिनेटली वो डिलीट कर ही सकता है उसका कोई रेस्ट्रिक्शन आप डिफाइन नहीं कर सकते इफ यू वॉन्ट टू रेस्ट्रिक्ट इफ़ यू वॉन्ट टू ब्लॉक डिलीटेशन देन आपको वो एक्सेस नहीं देना है जिसको भी एक्सेस दिया है वो यूजर डिलीट कर सकता है दैट्स कॉमन थिंग ओके रिगार्डिंग योर क्वेरी यू आस्किंग अबाउट ईच इंडिविजुअल अकाउंट एंड स्पेसिफिक यूजर दैट्स मीन्स आप क्या अपडेट करना चाहते हो वो मेन थिंग है बेस्ड ऑन योर अपडेट रिक्वायरमेंट आप आ बल्क में अपडेट कर सकते हो आ आप नहीं कर सकते अगर मैं बात करूंगा पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की मान लो कि मुझे ऐसा करना है कि मुझे सभी यूजर का कंट्री नेम चेंज करना है सभी यूजर का डिपार्टमेंट नेम मुझे चेंज करना है तो ये सभी चीजें आप पावर सेल के जरिए कर सकते हो एंड वो पावर सेल कहाँ से रन होगा वो हम डिस्कस करेंगे हमारे क्लाउड सेल टॉपिक के अंदर जहाँ से आप यूजर्स ग्रुप पासवर्ड रिसेट ये सभी चीज आप पावर सेल से भी कर सकते हो एंड दैट टाइम आई विल गाइड यू हाउ यू कैन क्रिएट स्क्रिप्ट फॉर बल्क अटर इज नो एनी लिमिटेशन इनसाइड योर एज लाइक ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नंबर ऑफ कितने यूजर एड करने हैं यू कैन एड एंड नंबर ऑफ यूजर्स आगे मैंने ऑलरेडी बताया अगर आपका फ्री अकाउंट है आप फाइव लैक्स ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो अगर आपके पास P1, P2 या ऑफिस 365 का लाइसेंस है यू कैन क्रिएट अनलिमिटेड अकाउंट ओके सो दिस इज वॉट वी डिस्कस अबाउट यूजर्स इफ यू विल क्लिक ऑन पर्टिकुलर यूजर आपको यूजर का जो डिटेल है वो आप यहां से देख पाओगे ठीक है लेट मी शो यू जैसे कि हमने यहाँ पे दो यूजर बनाए हुए हैं एक मेरा जो डिफॉल्ट यूजर है और दूसरा मेरा एडमिन यूजर जो मैंने मैन्युअली क्रिएट किया था तो जैसे ही आप क्लिक करोगे एस एडमिन के ऊपर तो उसकी बेसिक्स प्रोफाइल वो क्या कर सकता है उसका फर्स्ट नेम क्या है लास्ट नेम क्या है लॉग नेम क्या है उसका डिपार्टमेंट उसका यूज लोकेशन उसका अदर इंफॉर्मेशन ये ए टू जेड इंफॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप अजाइन रोल में जाओगे तो उसको कौन सा रोल अजाइन किया है वो आप वेरीफाई कर सकते हो करंटली यहाँ पे कोई रोल असाइनमेंट नहीं है मान लो कि मुझे ऐसा करना है कि मुझे पर्टिकुलर एज़्योर एडमिन अकाउंट को ग्लोबल एडमिन के एक्सेस देने हैं या तो मुझे ऐसा करना है कि रीडर के एक्सेस देने हैं कि एटलीस्ट वो रीड ओनली एक्सेस कर पाए तो आप क्लिक कर सकते हो एड असाइनमेंट के ऊपर एंड यहां से आप पर्टिकुलर रोल सेलेक्ट करके कौन सा रोल ग्रांट करना है वो आप डिफाइन कर सकते हो देर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शन आर अवेलेबल डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट आपको वो ग्रांट करना है मान लो कि डेक्ट्री रीडर्स मैं ये रोल ग्रांट कर रहा हूं सो so, वो क्या कर पाएगा उसका डिस्क्रिप्शन आप यहां से रीड कर सकते हो कैन रीड बेसिक डिरेक्ट्री इंफॉर्मेशन कॉमनली यूज टू ग्रांट डिरेक्ट्री रीड एक्सेस टू एप्लीकेशन एंड गेस्ट सो डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट आप एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हो अगर मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा यूजर एडमिनिस्ट्रेटर सो ये यूजर से मैं पासवर्ड रिसेट कर सकता हूँ एम एफ ए कर सकता हूँ आई डी क्रिएट कर सकते हो डिलीट कर सकते हो बेसिक्स लेवल के एडमिनिस्ट्रेटिंग जो टास्क है वो आप परफॉर्म कर सकते हो लेकिन आप ना ही वी एम बना सकते हो ना ही नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो बिकॉज आपके पास सिर्फ यूजर लेवल के ही एडमिन राइट्स है सो so जो भी आपको राइट्स देने हैं आपको मल्टीपल राइट्स देने हैं तो आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो

आपने कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई ग्रुप क्रिएट करके रखा है या तो कोई आपने ऐसा कोई टैग बना के रखा है कि भाई ये पर्टिकुलर आईडी ये यूजर uh, अकाउंट इस डिपार्टमेंट uh, से बिलोंग करेगा या तो इस कंपनी uh, से बिलोंग करेगा सो so, अगर आपने कोई ऐसा कोई यूनिट डिफाइन करके रखा है फॉर इंफॉर्मेशन ओनली तो वो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो मान लो कि मुझे ऐसा करना है कि मैं मुझे पांच आई बनाना है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस तो अगर आपने क्रिएट किया हुआ है तो वो यहां तो हमें न्यूली क्रिएट करना पड़ेगा नेक्स्ट इज ग्रुप ये जो यूजर है वो कौन कौन से ग्रुप का मेंबर है अगर मेंबर नहीं है तो उसको मेंबरशिप में ऐड करना है आप प्लस साइन में जाके ग्रुप के नाम सर्च करके आप ऐड कर सकते हो वो जब हम लोग ग्रुप स्टडी करेंगे ग्रुप देखेंगे दैट टाइम आई विल गाइड यू हम लोग कैसे वो ऐड और रिमूव कर सकते हैं उसके लिए भी पावर सेल कमांड्स से है वो भी आप पावर सेल से भी कर सकते हो एप्लीकेशंस जो आगे हमने डिस्कशन किया कि यूजर्स एप्लीकेशन एक्सेस कर सकता है बट अभी हमारे डोमेन के अंदर कोई एप्लीकेशन रजिस्टर्ड नहीं है बिकॉज हमारा फ्री अकाउंट है जैसे ही हम लोग एक्टिवेट करेंगे आपको मैं एक दो एप्लीकेशन ट्राई करूंगा डेमो दिखाने का कि हम लोग उसको यहाँ से कैसे एक्सेस करें अबाउट लाइसेंस अगर आपने लाइसेंस लिया हुआ है एस योर का तो वो पर्टिकुलर लाइसेंस आपको अलोकेट करना पड़ेगा यूजर्स को ऐसा नहीं है कि मैंने पी टू लाइसेंस ले लिया तो पूरे डोमेन के ऊपर वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगा वो पीटी लाइसेंस मान लो कि हंड्रेड यूजर्स के लिए है तो वो आपको कौन कौन से हंड्रेड यूजर्स को देना है आपको यहाँ से वो असाइनमेंट करना पड़ेगा अगर मैं अभी यहाँ पे असाइनमेंट पे क्लिक करूंगा यहाँ पे एरर देगा नो लाइसेंस अवेलेबल बिकॉज लाइसेंस है ही नहीं हमारे पास लेकिन जब हम लोग लाइसेंस एक्टिवेट करेंगे दैट टाइम आई विल शो यू हम लोग लाइसेंस को कैसे असाइन करते हैं कैसे एक्टिव करते हैं दिस इज द मेन ऑप्शन डिवाइसिस जो अकाउंट के बारे में आप डिस्कस कर रहे हो अगर वो यूजर का पर्टिकुलर डिवाइस एज एडी में ज्वाइन है तो उसका इंफॉर्मेशन आप यहां से देख सकते हो करंटली मेरा कोई मशीन डोमेन में ज्वाइन नहीं है बट वेन वी विल टॉक अबाउट ग्रूप यूजर एंड मोर एडवांस लेवल टास्क दैट टाइम आई विल शो यू हम लोग कोई विंडोज टेन मशीन लेंगे वर्चुअल में बनाएंगे एंड हम लोग हमारे डोमेन के अंदर उसको डायरेक्टली वर्चुअली एड करेंगे यहाँ से एंड वो कंप्यूटर मशीन आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा सो so, सपोज आपको कोई यूजर कंप्लेन कर रहा है कि मेरे लैपटॉप में मेरा आईडी लॉगिन नहीं हो रहा है या तो डोमेन से मेरा कंप्यूटर निकल गया है तो आप उसके डिवाइस की इंफॉर्मेशन आप वेरीफाई कर सकते हो यहाँ से के पर्टिकुलर कौन कौन से रोल असाइन किए हुए है ठीक है आगे जो रोल की बात हुई वो पर्टिकुलर एज रिसोर्स की बात हुई यानी कि वो यूजर मैनेज कर सकता है वीएम मैनेज कर सकता है बट यहाँ पे बात हो रही है एज़्योर के रोल के बारे में यानी कि सब्सक्रिप्शन लेवल मैनेजमेंट लेवल बिलिंग लेवल क्या ये यूजर एज का जो बिल जनरेट होगा वो रीड कर सकता है क्या ये यूजर बिलिंग के लिए कोई पॉलिसी क्रिएट कर सकता है सो ये सभी चीज हमें क्रिएट एंड डिफाइन करनी है फ्रॉम द सब्सक्रिप्शन पार्ट फ्रॉम द मॉनिटरिंग पार्ट सो तब जाके आपको यहाँ पे वो डिस्प्ले करेगा करंटली मैं आपको जस्ट यही बता रहा हूँ आप वैलिड क्या क्या कर सकते हो कहाँ से अगर आपने ग्रुप सिलेक्ट किया तो ये यूजर कौन कौन से ग्रुप का मेंबर है वो आप डायरेक्टली यहाँ से डिस्प्ले कर सकते हो नो no डाउट आप एड भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो बट उसके लिए पर्टिकुलर अलग स्क्रीन अलग मेनू दिया हुआ है so this is for reading purpose for information only authentication method ye jab user login hone ke liye request jayega to yahan pe by default selected hai switch to the new user authentication method experience click here to how अगर आपको ऐसा करना है कि user login तभी कर पाए जब उसके mobile में sms जाए तो आपको यहाँ पे उसका contact number डालना पड़ेगा अगर आपको ऐसा करना है कि यूजर के ईमेल के ऊपर पर्टिकुलर कोड जाए पिन नंबर जाए तभी जाके लॉग इन आपको यहाँ पे उसका मेल आई एंटर करना पड़ेगा सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट ऑथेंटिकेशन मेथड्स यहां से भी आप पर्टिकुलर साइन इन की इंफॉर्मेशन ले सकते हो बट फॉर स्पेसिफिक यूजर फॉर इसके लिए ही कि ये एज एडमिन जो अकाउंट है वो कितनी बार कहाँ कहाँ से एक्सेस हुआ ओके okay? देखो दो बार सिंगल फैक्टर से लॉगिन हुआ था एंड दो बार मल्टी फैक्टर से लॉगिन हुआ था द सेम थिंग यू कैन चेक इट फ्रॉम ऑडिट लॉक्स अगर आपको ऐसा लगता है कि पर्टिकुलर मेरे अकाउंट से किसी ने छेड़खानी की है तो आप उसके लॉक्स देख सकते हो देखो लास्ट में हमने रोल असाइनमेंट किया इस यूजर को तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेट एंड टाइम एंड उसका लॉक जनरेट हो गया कि इस यूजर को पर्टिकुलर रोल एलोकेट किया गया है सो दीज आर द इन्फॉर्मेशन फॉर स्पेसिफिक यूजर और अगर आप नॉर्मली यूजर स्क्रीन पर क्लिक करोगे तो आपको पूरे डोमेन के पूरे यूजर के बारे में दिखाएगी और पर्टिकुलर यूजर्स के ऊपर क्लिक करोगे तो सिर्फ और सिर्फ ओनली यूजर्स के बारे में डिस्प्ले करेगा ओके सो यूजर पोर्शन इज कम्प्लीट ही हाउ टू क्रिएट यूजर्स यूजिंग पावर शेल डेट वी विल लुक इन अवर मॉड्यूल नंबर फोर जब हमारा मॉड्यूल नंबर फोर कंटिन्यू हम लोग करेंगे सो लेट मी कंटिन्यू विथ अवर पीपीडी सो हम डिस्कस कर रहे थे साल्फ सर्विस पासवर्ड रिसेट के बारे में ये क्या करेगा सो डेटर माइंड हु कैन यूज सेल्फ सर्विस सेल्फ सर्विस का जो पासवर्ड रिसेट का जो फीचर है वो कौन कौन यूज कर सकता है पहले आपको वो डिफाइन करना होगा अगेन उसके लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड है वो हम लेंगे हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे चूज द नंबर ऑफ ऑथेंटिकेशन मैथड कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको फर्स्ट यूजर से एज ए इंफॉर्मेशन लेने हैं एंड हाउ मेनी क्वेश्चन रिक्वायर टू रिसेट पासवर्ड यू कैन सी यहाँ पे आपको दिखेगा मैंने यहाँ पे पांच ऑप्शन सिलेक्ट किए ठीक है एंड नंबर ऑफ मैथड रिक्वायर्ड टू रिसेट यानी कि एटलीस्ट कोई एक मैथड तो मैच होनी चाहिए फॉर रीसेट करने के लिए और वी कैन से नंबर ऑफ क्वेश्चन पांच में से कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए फॉर रिसेट द पासवर्ड सो यह सभी चीज आपको यहां से डिफाइन करनी है एंड तब जाके यूजर का सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट जो फीचर है वो इनेबल होगा सो दिस इज वॉट वी लर्न फ्रॉम अवर एसजोअर अबाउट यूजर अकाउंट यूजर कैसे क्रिएट होगा उसका क्या डोमेन है उसका सोर्स कौन सा है करेंटली अभी हम सभी हम जितने भी यूजर्स बना रहे हैं वो सभी हम एच यूर एडी में क्रिएट कर रहे हैं दैट्स वाई हमें सिर्फ और सिर्फ एच यूर ए डी ही डिस्प्ले करेगा लेट मी शो यू करंटली जैसे कि मैं यूजर्स में जाता हूँ एंड अगर आप यहां पर चेक करोगे डिरेक्ट सिंक तो क्या ये यूजर पर्टिकुलर कोई ऑन प्रिमाइसिस एडी में से आया हुआ है सिंक होके तो नहीं नो no. ये यूजर जो है वो डायरेक्टली एजयोर एडी के ऊपर ही क्रिएटेड है ये स्लाइड ओल्ड है इसलिए यहाँ पे विंडोज सर्वर एडी और एज एडी ऐसा लिखा हुआ है बट अदरवाइज वहां पे वो डिफरेंट डिफरेंट भी दिखाता है अगर हम बात करें यूजर टाइप की सो मेंबर डिस्प्ले करेगा दैट्स मीन आपके डोमेन का अकाउंट है और गेस्ट लिखा हुआ है तो वो आपका गेस्ट यूजर है सो so, आप कैसे यूजर क्रिएट कर सकते हो कैसे इनवाइट कर सकते हो उसका जो डिलीट होगा वो बाय डिफॉल्ट थर्टी डेज के बाद डिलीट हो जाएगा दीज आर ऑल इंफॉर्मेश चैक्ट दिस इज द कमांड लाइन एंड बल्क यूजर ऑपरेशंस that we will cover up in our powershell module here just example aap apna csv file create kar sakte ho usme sabhi users ki information dal sakte ho and new ad user command ke zariye aap user create kar sakte ho so that i will explain you how we can use powershell command as well Even though मैं आपको कुछ कुछ commands ऐसे भी सिखाऊंगा जो आपके वन प्रेमाइसिस AD के अंदर भी आपको use होंगे एंड दिस इज अबाउट ग्रुप्स सो ग्रुप्स के बारे में हम लोग डिस्कशन हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में करेंगे कि अजाइन टाइप क्या होता है डायना क्या होता है डायनामिक डिवाइस क्या होता है सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है दीज आर दल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट सेशन एज ऑफ नाउ एनी डाउट्स एनी क्वेरीज फ्रॉम टूडे सेशन okay so thank you so much guys for joining in our today's session hope you enjoyed and we will meet tomorrow at the same time and we will continue with the next session meanwhile goodbye good night take care